किसी भी हाउस का रिजल्ट उसका हाउस लॉर्ड कैरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको जानना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहाँ पर हो, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, या आप थ्रू आउट लाइफ किन एरियाज में अपने को इन्वॉल्व रखोगे, तो मैं हाउस लॉर्ड की तरफ जो है वो ध्यान दूंगा। रिकॉर्डिंग का आप मैसेज मत डालिए, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, प्लीज बीच में कोई इंटरप्शन नहीं। तो हाउस लॉर्ड्स जो है वो रिजल्ट कैरी करते हैं उस पर्टिकुलर हाउस का। फॉर एग्जांपल आपके बारे में जानना है तो मैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड को स्टडी करूंगा, पहले भाव का स्वामी। सेकंड हाउस को जानना है, आपकी वेल्थ के बारे में जानना है, तो मैं स्टडी करूंगा सेकंड हाउस लॉर्ड को। मुझे जानना है कि आप अपने एफर्ट्स कहाँ लगाएंगे, अपनी प्लानिंग किस एरिया में करेंगे, तो मैं जाऊंगा थर्ड हाउस पर, ऐसे ही फोर्थ हाउस। तो यहां समझने वाली बात यह है कि जितने भी हाउस लॉर्ड हैं उनको हम रिजल्ट कैरियर बोलेंगे कि वो रिजल्ट कैरी करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को एक कॉमन इंटरप्रिटेशन बताऊंगा किस तरीके से करते हैं, एंड देन मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लूंगा ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो सके कंसेप्ट कि किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो आपके बारे में बताता है। अब फर्स्ट हाउस लॉर्ड की जो पोजीशन है कुंडली में, मैंने आपका चार्ट खोला, उसमें फर्स्ट हाउस लॉर्ड देखा कौन सा प्लैनेट है और देखा कि वो कौन से घर में बैठा है। उस घर से पता चलता है मुझे कि थ्रू आउट लाइफ आपकी अपनी प्रेफरेंस क्या होगी। ठीक, देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझे किसी ने भी अभी क्वेश्चन अगर बीच में डाला तो मैं लिटरली जो है वो चैट सेक्शन जो है वो ब्लॉक कर दूंगा। बीच में क्वेश्चन सारे मेरे को इंटरप्शन हो गया, आप समझ नहीं रहे। तो हमने बोला आधा घंटा मिलेगा, बाद में अपना क्वेश्चन रख दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। आप लोग फिर भी बीच में कुछ ना कुछ कभी कोई कोई रिक्वेस्ट आ रही है, कभी कुछ आ रहा है, तो प्लीज मेंटेन करिए इस चीज को, तो पूरा लेक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट वो आपके बारे में बताती है। ठीक, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस घर में बैठा होगा, आप थ्रू आउट लाइफ उस एरिया में इन्वॉल्व रहोगे। अब कई लोग बोलते हैं कि सर अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में ही बैठा हो, प्रथम भाव में ही बैठा हो तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट हाउस क्या है, फर्स्ट हाउस आप है, आपकी बॉडी है, ठीक, आपकी हेल्थ है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना क्या बताएगा, कि व्यक्ति जो है वो बॉडी वाइज अच्छा होगा, ठीक, स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, और फर्स्ट हाउस किसका है, सेल्फ का है। फर्स्ट हाउस सेल्फ है, और फर्स्ट हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जब बैठेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये व्यक्ति जो है वो सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है। क्या बोलेंगे, सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति है।
आपने कई लोगों को देखा होगा जो अपने में गुम रहते हैं, ठीक है, और उनको खुद से बड़ा वो रहता है, मतलब वो हर चीज ना खुद उनके ही चारों तरफ रिवॉल्व करती है, लाइक मेरा पैसा, मैं ऐसे करता हूं, मुझे ये पसंद है। तो उनकी जो भी लाइफ है ना, वो लाइफ उनकी है, ठीक, क्लियर हुआ कि सेल्फ सेंटर्ड, यानी कि उनकी जो लाइफ है ना वो अपने ही इर्द गिर्द घूमेगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस सेल्फ है, तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना वो सेल्फ सेंटर्डनेस की तरफ इशारा करता है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस किस चीज का है? सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट फैमिली, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट वेल्थ, सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट स्पीच। ये व्यक्ति तहा उम्र इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी, एक बात को समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है फर्स्ट हाउस को समझना। फर्स्ट हाउस इज लाइक कि आपकी प्रायोरिटी पूरी जिंदगी क्या रहेगी, ठीक। फर्स्ट हाउस लॉर्ड जो है वो जिस घर में भी बैठेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे, ये आपके हाथ की बात नहीं है, वो हाउस आपकी प्रायोरिटी बन ही जाएगा। तो फर्स्ट हाउस जब सेकंड हाउस में बैठ जाएगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाएगा, तो आपकी जो लाइफ है वो क्या होगी? आपकी लाइफ जो है उसमें प्रायोरिटी आपकी फैमिली, वेल्थ, स्पीच, इनसे जुड़े एरियाज जो है आपकी प्रायोरिटी रहेगी। ऐसे ही अगर थर्ड हाउस में बैठता है तो थर्ड हाउस की जो सिग्निफिकेशन है उनके अंदर आप आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज और है, जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस आप है, थर्ड हाउस आपके सेल्फ एफर्ट्स है। एफर्ट्स मतलब आपकी मेहनत, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हैं, तो थर्ड हाउस जो है वो मेहनत का है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में बैठेगा तो हम क्या बोलेंगे, दिस मैन इज अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, ये व्यक्ति जो है इसने अपनी मेहनत से खुद को बनाया है, अपना जो एक इमेज बनाई है, खुद को जो स्टैंड किया है वो अपने दम पर किया है। थर्ड हाउस इज अपना दम, फर्स्ट हाउस इज पर्सनैलिटी। तो वेन एवर योर फर्स्ट हाउस लॉर्ड गोज टू थर्ड हाउस, इट शोज दैट दिस पर्सन इज अ सेल्फ मेड पर्सनैलिटी, ठीक। ऐसे ही अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ गया, तो फोर्थ हाउस क्या होता है? होम एनवायरनमेंट होता है, आपकी चार दीवारी होती है, डोमेस्टिक एटमोसफियर होता है। तो आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो जिनको होम सिकनेस होती है। जितने भी लोग जिनको होम सिकनेस होती है, ये वो लोग हैं जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठता है। मदर से काफी अटैच रहते हैं, अपने होमलैंड से काफी अटैच रहते हैं, इनको बड़ी मोहब्बत होती है अपने जन्म स्थान से, ठीक। फर्स्ट हाउस लॉर्ड फिफ्थ में बैठेगा तो फिफ्थ हाउस किन किन चीजों का, एंटरटेनमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, क्रिएटिविटी का है, सॉल्यूशंस का है, रोमांस का है, ठीक। सिक्स हाउस में बैठेगा तो सिक्स हाउस में बैठने पर नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ये आदमी थोड़ा सा डिजीज रहेगा, मतलब इसको डिजीज रहेगी लाइफ में। लेकिन एक चीज और समझने की है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा तब आप लोग एक चीज को समझेंगे जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी का क्रक्स है। 90% एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते और यही आकर उनकी प्रेडिक्शंस है या जो उनका समझना है, एनालिसिस है, किसी भी चार्ट का खराब हो जाता है। उसका रीजन क्यों? देखिए, सिक्स हाउस जो होता है वो डेली रूटीन का होता है, एक सेट रूटीन जो है वो छठा घर है। इसलिए जो छठा घर है वो सर्विस से जुड़ा गया है, क्योंकि एक आदमी जब एक सर्विस में होता है तो एक सेट रूटीन पे अपना घर छोड़ता है, घर से फिर अपना ऑफिस जाता है, ऑफिस से वापस अपने घर आता है। तो
सिक्स्थ हाउस जो है सेट रूटीन का है, देन सिक्स्थ हाउस छठे घर को हम एक्सरसाइज का भी मानते हैं, ठीक है। जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो भी सिक्स्थ हाउस में आता है। और सिक्स्थ हाउस ना डेली बेसिस पर रूल्स फॉलो करना भी है। जो भी आप रूल्स फॉलो करते हैं और रेगुलर बेसिस पर करते हैं, वो भी छठे घर में आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग डाइटिंग करते हैं कि भाई मेरे को, मैं तो मोटा हो रखा हूँ, मेरे को पतला हो रहा है, मेरे को डाइटिंग करनी है। तो डाइटिंग कैसे होगी? छठा घर आपको डाइटिंग कराएगा, बिकॉज छठा घर वो घर है जो आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन पे लेकर आता है। तो वो लोग जिनका फर्स्ट लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा होता है, दे आर वेरी रूटीन ओरिएंटेड पीपल, और वो एक्सरसाइज में भी इन्वॉल्व रह सकते हैं, वो स्ट्रिक्ट डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ये थोड़ा सा समझ के रखनी है। अब आप लोग कहेंगे सेवंथ हाउस, तो सेवंथ हाउस अपोजिट सेक्स का भी होता है, सेवंथ हाउस अदर पर्सन का भी होता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया है, तो दो बातें हो सकती है, या तो आप दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति आपका जो इंक्लिनेशन है वो बहुत रहेगा। दूसरा क्या होता है, सेवंथ हाउस ना अदर पर्सन का होता है और फर्स्ट हाउस हम खुद हैं। इसलिए आप देखेंगे वो लोग जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में जाता है, ठीक, जिनका फर्स्ट हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में जाता है, वो लोग या तो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्टेड रहेंगे, या फिर वो जब भी किसी कार्य को करेंगे या उन्हें जब भी कोई एक्टिविटी करनी होगी तो उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए। वो फर्स्ट हाउस वाले लोग, प्रथम भाव जिनका प्रथम भाव का स्वामी सेवंथ हाउस में होता है, या जिनका सेवंथ हाउस बहुत स्ट्रांग हो, उनको हर पल हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति है जो साथ चाहिए। मान लीजिए उनका मन है कुछ बाहर, चलिए शॉपिंग करेंगे, तो उनको कोई ना कोई साथ चाहिए। उनको खाना खाने जाना, कोई ना कोई साथ चाहिए। उनको घूमने जाना, कोई ना कोई साथ चाहिए। तो वो हमेशा ना कोई कंपनी जो है उसको सीख करते हैं, बिकॉज सेवंथ हाउस अदर पर्सन का भी होता है, ठीक। आठवां घर एट हाउसेस सीक्रेसी, एट हाउसेस ट्रबल, एट हाउसेस एक्सट्रीमिज्म। अब ये जो शब्द है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आठवां घर एक्सट्रीमिज्म का होता है। एक्सट्रीमिज्म मतलब अति। आपने अति शब्द समझते हैं आप सब लोग? व्हाट इज अति? संस्कृत में एक श्लोक है, संस्कृत का एक श्लोक है, अति सर्वत्र वर्जितः। अति मींस एक्सेस। तो अति सर्वत्र वर्जितः का अर्थ है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। अब यदि आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में चला गया, तो इट मेक्स यू एक्सट्रीमिस्ट, आपको एक्सट्रीमिस्ट बना देगा। तो आप ना कई चीजों में अति करोगे। अगर खा रहे हैं तो खाने में अति करोगे, अगर सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट पीने में अति कर देगा व्यक्ति, अगर नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज खाने में अति करेगा। मतलब उसके अंदर ना हर चीज को लेके एक एक्सट्रीमिज्म आ जाता है, एक एक्सट्रीमिस्ट वाला एटीट्यूड आ जाता है। इसलिए ये लोग ना एडिक्टेड भी बन जाते हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, ये नॉर्मल पीपल नहीं है, ये एक्सट्रीमिस्ट पीपल। अगर अगर किसी चीज की खोजबीन में लग गए तो उसके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर खाना शुरू कर दिया उसके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे। अगर पीना शुरू कर दिया तो उसके एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो एट्थ हाउस जो है, दूसरा क्या है कि सेकंड हाउस आपका पैसा है। मैंने बताया था जब मैं हाउसेस को डिस्क्राइब कर रहा था, तो मैंने आप सब लोगों को बताया कि सेकेंड हाउस इज योर मनी। तो जिस तरीके सेकंड हाउस आपका पैसा, एट्थ हाउस जो है वो सामने वाले का पैसा है, दूसरे व्यक्ति का पैसा। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है, तो व्यक्ति को हमेशा, व्यक्ति की जो नजर है वो इस चीज पर रहती है कि दूसरे व्यक्ति का जो पैसा है वो कैसे लिया जाए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। देखिए, नेगेटिव इस सेंस में कि ये व्यक्ति हमेशा दूसरे के पैसे पर रिलाई करना चाहेगा कि भाई मेरे को इसका पैसा मिल जाए, और पॉजिटिव सेंस इसकी ये है कि ऐसा व्यक्ति ये
इस चीज में बड़ा स्मार्ट हो जाता है कि सामने वाले की जेब से पैसा कैसे निकालना है, सामने वाले से जो पैसा है वो किस तरीके से अपने पास आएगा। तो 8th हाउस इन चीज होता है। व्हाट अबाउट 9th हाउस? देखिए 9th हाउस जो है ये काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस बिलोंग्स टू जुपिटर। जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम एंड आइडियलिज्म। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में बैठेगा तो ये आदमी के अंदर कुछ विजडम और कुछ आइडियल्स होंगे, लाइक इस व्यक्ति के अपने कुछ उसूल होंगे, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जिनको ये फॉलो करेगा अपनी लाइफ। लोग कहते हैं कि 9th हाउस रिलीजन का है, ठीक, रिलीजन का, धर्म का। और उनकी गलत फहमी ये रहती है, वो सोचते हैं कि अगर व्यक्ति जो है वो मंदिर जा रहा है, डेली मंदिर जाकर पूजा कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, तो वो एक रिलीजियस माइंडेड व्यक्ति है। देखिए धर्म का अर्थ मंदिर जाने से नहीं है, धर्म का अर्थ इस बात से है कि आप वो फॉलो करें जो सही है, आप वो कार्य करें जो एथिकल है। तो इसलिए एथिक्स को फॉलो करना, विजडम ओरिएंटेड अप्रोच को फॉलो करना, ये 9th हाउस का पार्ट है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब 9th हाउस में आएगा तो हम ये कहेंगे, अगर 10th हाउस में फर्स्ट हाउस लॉर्ड गया, 10th हाउस के अंदर अगर फर्स्ट हाउस लॉर्ड चला गया तो क्या बोलेंगे आप लोग, कुछ आइडिया, क्या प्रेडिक्शन निकलती है? आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन के अलावा हम कहेंगे करियर ओरिएंटेड व्यक्ति है, इसकी जो जिंदगी है, इसकी जो लाइफ है, वो सिर्फ इसके करियर के इर्द गिर्द घूमती है। ये सुबह शाम ये सोचता है अब क्या किया जाए, अब करियर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ओवरऑल व्हेन योर लग्न लॉर्ड गोज टू 10th हाउस, योर लाइफ इज ऑल अबाउट करियर, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ऐसा करना, वैसा करना। व्हाट अबाउट 11th हाउस? 11, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, लग्ना लॉर्ड का 10th हाउस में जाना, लग्ना लॉर्ड का 10th हाउस में जाना आपको अथॉरिटेटिव भी बना देता है। देखिए 10th हाउस इज अथॉरिटी, और लग्न लॉर्ड का 10th हाउस में जाना आपको अथॉरिटेटिव भी बना देता है। तो ऐसे व्यक्ति को ना आप थोड़ा सा एक बॉसी एटीट्यूड वाला भी पा सकते हैं कि देखो भाई मैं ऐसे कह रहा हूं, मैं ऐसे कह रहा हूं, मतलब हमेशा वो थोड़ा सा अपना प्रभाव जो है वो रखना चाहते हैं चीजों पर। 11th हाउस, 11th हाउस में यदि आपका लग्न लॉर्ड जाएगा तो 11th हाउस में लग्न लॉर्ड जाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, हाईली एम्बिशियस पर्सन, एक व्यक्ति जिसकी बहुत सारी जो है वो डिजायर्स हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मैं ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। तो ये व्यक्ति जो है ना ये फुल ऑफ डिजायर्स है, तो इसलिए इसको हाईली एम्बिशियस बोलते हैं। ये परेशानी इसलिए रहते हैं फर्स्ट हाउस लॉर्ड जिनका 11th में जाता है, बिकॉज इनके एम्बिशंस इतने। तो ये क्या है, इनके पास जो होता है ये उसके अंदर भी सुखी ना रहकर जो नहीं होता जो इनको चाहिए उसको लेकर ही दुखी रहते हैं। तो इसलिए वी कॉल देम हाईली एम्बिशियस पीपल। यस सोशली दे आर एक्टिव, डेफिनेटली सोशली दे आर वेरी एक्टिव पीपल। और 12th हाउस जो है, 12th हाउस इज अबाउट आइसोलेशन, 12th हाउस इज अबाउट वीकनेस। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो व्यक्ति के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक वीकनेस रहेगी, चाहे हेल्थ की वीकनेस कह लीजिए या इमोशनल वीकनेस कह लीजिए। और हेल्दी वीकनेस, हेल्थ की वीकनेस इस प्रकार होती है कि ऐसे लोगों को जरा भी कुछ हो जाए तो वो तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास भागते हैं, ठीक, क्योंकि जो 12th हाउस है वीकनेस का, आइसोलेशन में रहना इनको पसंद होता है, दे लव टू गेट आइसोलेटेड।
तो वो थोड़ा एकांत पसंद लोग हैं, ठीक है। योगा मेडिटेशन की तरफ भी इनका रुझान हो जाता है, ठीक। फॉरेन कंट्री के अंदर सेटलमेंट के इनके योग होते हैं, बिकॉज 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री से भी जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड कहाँ से कहाँ रहता है, तो इसके आधार पर आप फर्स्ट हाउस की जो प्रेडिक्शंस हैं वो कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड आपके किस हाउस में बैठा है उसके अंदर आपने उसको मैच करके देख लिया होगा, एंड इट मस्ट बी मैचिंग ऑल्सो। वो मैच कर भी रहा होगा जितना मैं समझता हूँ। अगर नहीं कर रहा तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या चार्ट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये बात पक्की है वो मैच करेगा, ठीक। तो ये फर्स्ट हाउस का हुआ। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस है आपकी वेल्थ, ठीक। एक सेकंड, सेकेंड हाउस इज योर वेल्थ। आपका पैसा कहाँ से आएगा? हर व्यक्ति इस जीवन में पैसा कमाने की सोचता है कि भाई ठीक है, मेरे को पैसा कमाना है। तो 1 से लेकर 12 भाव जो है वो आपको बताते हैं कि आपका पैसा कहाँ से आएगा। तो बड़ा सिंपल है। अब देखिए, कर्म और पैसा जरूरी नहीं है इसका संबंध हो। कर्म है कौन सा भाव? 10th हाउस। पैसा है कौन सा भाव? 2nd हाउस। इसलिए एक चीज का या ध्यान रखें कि सपोज करिए आप कोई टीचर हैं, आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो सपोज वो 4th हाउस में बैठ गया, तो 4th हाउस एजुकेशन का भी होता है, तो हो सकता है पे टीचर बन जाए, ठीक। लेकिन आपका 2nd हाउस लॉर्ड जो है वो 7th हाउस से है, तो आपने, आप वैसे बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, लेकिन आपने साथ में क्या किया हुआ है, एक रिटेल आउटलेट खोला हुआ है, ठीक है। तो आपने एक रिटेल आउटलेट खोल लिया, वो कौन सा भाव है? 7th हाउस। तो कर्म आपका क्या बता रहा है? आपका कर्म बता रहा है कि आप एक टीचर हैं, आपका जो काम है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। स्टिल आपको पैसा कौन दे रहा है? पैसा आपको 2nd हाउस का लॉर्ड। तो 2nd हाउस लॉर्ड कहाँ बैठेगा, वहां से आपकी वेल्थ जनरेट होगी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिनको ईश्वर जो है वो कर्म, पैसा और लाभ, ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, कर्म, पैसा और लाभ, ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं एक स्थान से जोड़ देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो 4th में बैठ गया, 11th हाउस का लॉर्ड है वो 4th में बैठ गया, 10th हाउस का लॉर्ड है वो 4th हाउस में बैठ गया। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा सरल है। आपका पैसा कहाँ से आएगा? चतुर्थ भाव से आएगा। आपको लाभ कहाँ से होंगे? चतुर्थ भाव से होंगे। आपको कर्म क्या करना है? चतुर्थ भाव का करना है। तो आपका पैसा भी, गेन्स भी और आपका प्रोफेशन भी, ये सब 4th हाउस से कनेक्टेड रहेंगे, विच इज प्रॉपर्टी, व्हीकल और एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंड, ठीक। तो 2nd हाउस लॉर्ड कहाँ बैठता है, वहां से आपकी इनकम जनरेट होती है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में बैठेगा, तो इट शोज कि आप अपनी वेल्थ को खुद से जनरेट करेंगे, खुद से। फर्स्ट हाउस इज सेल्फ, सेकेंड हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है वो शो करती है कि
कि क्या तरीका है जिससे आप अपनी वेल्थ जनरेट करेंगे, तो आपकी जो वेल्थ आएगी निकल के वो खुद से आएगी, सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा आप वेल्थ जनरेट करेंगे। अगर सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठा है तो फैमिली बिजनेस के थ्रू आपकी वेल्थ आ सकती है, जेम्स और ज्वेलरी के थ्रू आपकी वेल्थ आ सकती है, बैंकिंग रिलेटेड काम करने से आपकी वेल्थ आ सकती है। थर्ड हाउस में आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है तो कमीशन के थ्रू आपकी वेल्थ आ सकती है, ठीक, फ्रेंचाइजी एजेंसी बिजनेस से आपकी वेल्थ आ सकती है, टूर एंड ट्रेवल से आपकी वेल्थ आ सकती है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम करने से आपकी वेल्थ आ सकती है। फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है। जो लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस से ही जुड़े लोग हैं, तो फोर्थ हाउस में यदि आपका सेकंड है। अच्छा, अगर फिफ्थ हाउस में है तो पंचम भाव के कार्य करने से आपको वेल्थ मिलेगी। पंचम भाव के कार्य क्या है? आप बैठ गए जी अपना ऑफिस सजा कर, कोई व्यक्ति आता है वो पूछता है ये काम कैसे करना है, आप उसको एडवाइस कर रहे हैं तो एडवाइजरी के काम आपको वेल्थ देंगे। आप बन गए एस्ट्रोलॉजर, कोई आ रहा है आपके पास, उसने पूछा जी मैं फंसा हुआ हूँ, आपने उसको उपाय दे दिया तो उपाय करने के द्वारा आपकी वेल्थ आएगी, आप उपाय कीजिए आपको उपाय करने से पैसा मिलेगा। तो सेकंड हाउस जो है, ऐसे ही सिक्स्थ हाउस, जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है उनको वेल्थ कहाँ से मिलेगी? उनको वेल्थ मिलेगी सर्विस ओरिएंटेड काम करने से, उनको वेल्थ मिलेगी किससे? लोन्स से। अब देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाता है तो आपको पैसा लोन्स के द्वारा मिलता है। अब लोन के द्वारा पैसा मिलना, इसका क्या अर्थ है? वो लोग जो फाइनेंस रिलेटेड क्षेत्र में है, जो फाइनेंस का काम करते हैं, वो क्या करते हैं? वो दूसरे व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उनको जो वेल्थ जनरेट होती है वो लोन प्रोवाइड करने से वेल्थ जनरेट होती है। दूसरा क्या है? बीमारी, बीमारी भी सिक्स हाउस है, ठीक। लिटिगेशन जो है वो भी सिक्स हाउस है, इसलिए डॉक्टर बन के भी आप वेल्थ ले सकते हैं, लॉयर बन के भी आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, ठीक। सेवन्थ हाउस जो है वो रिटेल आउटलेट है, ठीक है जी। आपने कोई ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, कोई भी ऐसा रिटेलिंग का काम कर लिया जहां पे डेली सेल परचेज जो है वो इन्वॉल्व है। आठवां घर है, तो आठवें घर में जो वेल्थ जनरेट होती है, एट्थ हाउस जो है, अभी मैंने बताया आपको सेकंड हाउस आपका पैसा है, एट्थ हाउस जो है ये अदर्स मनी है। तो अदर्स मनी का मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ये दूसरे का पैसा लेता है और उसको इन्वेस्ट करवाता है, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टर्स एट्थ हाउस से भी देखे जाते हैं। वैसे जो इन्वेस्टमेंट का हाउस है इट इज ट्वेल्थ हाउस, बट आपका सेकेंड लॉर्ड आठवें घर में है तो आप जो पैसा बनाएंगे वो दूसरे के पैसे से बनाएंगे, ये ध्यान रहे। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग कमेटी डालते हैं अपने यहाँ, ठीक है। तो कमेटी जो लोग डलवाते हैं तो कमेटी के अंदर आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, वो दूसरों के पैसे उनके पास आते हैं कि भाई ठीक है इसका इतना शेयर, इसका इतना शेयर टाइप्स। तो अब वो भी आठवें घर का काम है, जो लोग टैक्सेशन में है आठवें घर का है, तो कई लोग टैक्स वगैरह से जुड़ी हुई जो सलाह है वो भी दे देते हैं, तो उसके अंदर भी जो है आठवां घर की इन्वॉल्वमेंट है। नाइन्थ हाउस किस चीज का है? नाइन्थ हाउस कंसल्टेंसी का है, नाइन्थ हाउस हायर लर्निंग का है, टीचिंग का है, प्रोफेसरशिप है, पब्लिकेशन है। टेंथ हाउस गवर्नमेंट है, आपका अपना प्रोफेशन है। इलेवेंथ हाउस सोशल सर्कल है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपकी वेल्थ कहाँ से जनरेट होगी? इन्वेस्टमेंट के द्वारा जनरेट होगी, या फिर आपको अगर वेल्थ कमानी है तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री जाना पड़ेगा, या किसी ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे जो एनवायरमेंट है, जो कल्चर है वो सारा चेंज हो, तो वो भी ट्वेल्थ हाउस है, ठीक है। सी ए इज फ्रॉम एट्थ हाउस, यस। सी ए
देखिए चार्टेड अकाउंटेंसी जो है ना, ये सेकंड और एट्थ दोनों का काम है कहीं ना कहीं, बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो बैंकिंग है और आठवां घर जो है वो दूसरे व्यक्ति का पैसा है, और टैक्सेशन जो है जितनी भी टैक्सेशन है वो भी आठवें घर से जुड़ी हुई है, इसलिए इन दोनों ही हाउसेस का रोल कहीं ना कहीं एक सीए की कुंडली में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बट उसमें ऐसा नहीं है, सेकेंड हाउस तो देखिए उसमें प्राइम है ही है बिकॉज दैट रिलेट्स टू बैंकिंग, बट एट्थ हाउस भी एडिशनल उसमें आप ले सकते हो, इसको भी इम्पोर्टेंस के रूप में कंसिडर कर सकते हो सीए के केस में, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका एक से लेकर 12 तक जो हाउसेज है उसके बारे में, कि एक से लेकर 12 हाउसेज जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे ही बाकी हाउसेज को भी हमने ऐसे ही कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल अब थर्ड हाउस है, हम थर्ड हाउस की बात कर रहे थे। थर्ड हाउसेस सेल्फ एफर्ट्स, ठीक। तो व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में एफर्ट्स जो है वो लगाता है, किसी ना किसी एरिया में लगाता है। कोई व्यक्ति खुद बहुत मेहनती होता है, कोई व्यक्ति है उसको सारे एफर्ट अपने पैसे, कई व्यक्ति जो है वो पैसा कमाने में जो है एफर्ट्स लगाते हैं, कई व्यक्ति हैं जो खुद बहुत मेहनती होते हैं। कई लोगों का एफर्ट सिर्फ इस बात को जाता है कि भाई घर कैसे परचेज किया जाए, अपनी फैमिली को जो है वो कैसे ठीक से रखा जाए। कई लोग जो है वो अपने बच्चों को लेकर बहुत मेहनत करते हैं। अब देखिए थर्ड हाउस जो है ये तीन चीजों को प्रमुख तौर पे दिखाता है। सबसे प्रमुख है इसमें एफर्ट, दूसरा है इंक्लिनेशन या अटैचमेंट। ध्यान रखिएगा ये जो मैं चीजें आपको, कुछ वर्ड जो ऐसे है ना जिन पर मैं आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूं, वो इसलिए बिकॉज ये चीज कहीं लिखी नहीं है, ठीक। ये मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, और जब आप अपनी कुंडली में भी इसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा वो चीज। देखिए थर्ड हाउस जो है ना वो भी आपकी डीपेस्ट डिजायर को बताता है। हम डिजायर को ना हमेशा 11th हाउस लेते हैं, वो है भी बिल्कुल है वो 11th हाउस, लेकिन थर्ड हाउस जो है वो 11th हाउस से भी बड़ी डिजायर है आपकी। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस अट्रैक्शन का है। आप सबसे पहले किसी ना किसी चीज के प्रति ना अट्रैक्ट होते हैं, आपको कोई ना कोई चीज आकर्षित आकर्षित करती है अपनी तरफ, वो चीज हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और थर्ड हाउस एफर्ट्स का भी है कि हम एफर्ट्स कहाँ लगाते हैं। देखिए कोई भी व्यक्ति, अब इसमें आकर्षण और एफर्ट्स को हमने क्यों जोड़ा? सपोज कीजिए आपको जो है वो, आपने बीएमडब्ल्यू देखी, ठीक, सामने आपके से बीएमडब्ल्यू जा रही है, मर्सिडीज जा रही है, मसराटी जो भी है। अब थर्ड हाउस लॉर्ड जो है वो आपका फोर्थ हाउस में बैठ गया, तो थर्ड हाउस लॉर्ड जब फोर्थ में बैठा तो आपका अट्रैक्शन ना चौथे घर की चीजों के प्रति हो गया। तो आपने कहा अरे मेरा बढ़िया घर होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, बढ़िया मेरी लाइफ में लग्जरी कंफर्ट्स ये सब बहुत अच्छे लेवल के होने चाहिए। अब आपने देखा कि अच्छा भाई फोर्थ हाउस जो है लग्जरी कंफर्ट हो गया उसमें, तो उसके बाद क्या हुआ, फोर्थ हाउस देखा लग्जरी कंफर्ट, अब आप क्या है उसके लिए प्रयास करोगे, आपको अट्रैक्शन हुआ उस चीज से, तो जिस चीज से अट्रैक्शन हुआ उसको पाने के लिए आप क्या करोगे, आप एफर्ट्स करोगे। इसलिए थर्ड हाउस जो है वो एफर्ट्स प्लस इंक्लिनेशन या अट्रैक्शन, इन दोनों की जानकारी आपको देता है। तो थर्ड हाउस यदि फर्स्ट हाउस में होगा, थर्ड हाउस का लॉर्ड, तो आपका इंक्लिनेशन ना हेल्थ की तरफ बहुत होगा। हेल्थ की तरफ कैसे, कि आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ इस तरीके का कुछ नहीं पीना है, तो आपका पूरा फोकस जो है वो बॉडी पर, इस चीज पर रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, इस टाइम पर वो लोग जिनका थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा,
तो अभी क्या चल रहा है, अभी आप सब लोगों को पता है कोरोना काल चल रहा है, तो इस टाइम वो पूरा ध्यान दे रहे होंगे। अच्छा, अरे अरे अभी हाथ इधर लग गया, जल्दी से इसको सैनिटाइज करो, अरे ये व्यक्ति ने छींका है, जल्दी से जाके अपने को जो है वो सैनिटाइज करो, ये करो वो करो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है वो रहेगा, बिकॉज इंक्लिनेशन कहाँ चला गया, इंक्लिनेशन चला गया फर्स्ट हाउस पर, यानी कि खुद पर, सेल्फ पर चला गया, बॉडी पर चला गया, हेल्थ पर चला गया, राइट। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा है और जो मैंने कहा वो मैच कर रहा है उनके लिए, बताइए। तो थर्ड हाउस लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में होगा, तो इस तरीके से सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में यदि आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड होगा तो आपको हमेशा इच्छा किस चीज की रहेगी, आप किस चीज के प्रति पागल रहेंगे, पैसा आ जाए, पैसा मिल जाए, पैसा ले लूं, पैसा कमा लूं, हमेशा धन जो है, वेल्थ जो है वो आपको आकर्षित करेगी, आपको हमेशा वेल्थ जो है वो आकर्षित करेगी। इंक्लिनेशन ही आपका वेल्थ की तरफ जाएगा। अगर फोर्थ हाउस में आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड गया है तो आपका इंक्लिनेशन रहेगा बढ़िया बढ़िया कारों पर, बढ़िया बढ़िया घरों पर, अरे मैं अपना एक विला बनाऊंगा, विला छोड़िए मैं मेंशन बनाऊंगा, मेरा घर जो है वो पैलेस जैसा हो, ठीक। और फोर्थ हाउस में लग्जरी कंफर्ट्स आता है। फिफ्थ हाउस जो है पंचम भाव में यदि थर्ड हाउस हुआ तो आपका इंक्लिनेशन किस तरफ रहेगा, स्पोर्ट्स की तरफ रहेगा, एक्टिंग की तरफ रहेगा, क्रिएटिविटी की तरफ रहेगा, जो पांचवे घर की चीजें हैं ना वो आपको बड़ा इंक्लाइंड करेंगी, तो आप लर्निंग की तरफ भी जाओगे, ठीक है, स्पोर्ट्स की तरफ जाओगे, अब आप हमेशा अट्रैक्ट रहोगे उस चीज के प्रति। अब छठा घर जो है, छठा घर बीमारी का है, ठीक। तब आदमी क्या, अब प्रिडिक्शन आप क्या दोगे, आप ये बोलोगे ये आदमी बीमारी की तरफ अट्रैक्ट रहेगा या इसको बीमारी बड़ी अच्छी लगेगी, क्या कहेंगे, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें प्रिडिक्शन हम ये देंगे कि छठा घर जो है ये अनप्रिविलेज क्लास का है। अनप्रिविलेज क्लास, अनप्रिविलेज क्लास का मतलब वो है कि वो लोग जो बेचारे एक तरीके से इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, वो लोग जो बेचारे शोषित हैं, पीड़ित हैं, या जो थोड़े से गरीब लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ना उनके तरफ एक एक आप उनको देखकर आकर्षित रहोगे। जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं कि उनको दूसरे व्यक्ति का दर्द जो है ना वो अपना दर्द लगता है, उनको दूसरे का पेन अपना पेन लगता है। तो थर्ड हाउस जो है वो अट्रैक्शन है, सिक्स्थ हाउस जो है वो अंडर प्रिविलेज लोगों का है। तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो है ना वो दूसरे, वो लोग जो बेचारे दुखी हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं उसको लगाव हो जाएगा। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठा है तो अफेयर्स के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा आदमी अट्रैक्ट होगा ही होगा अपोजिट सेक्स की तरफ, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अफेयर की तरफ भी चला जाता है, ठीक है। तो अपोजिट सेक्स में रुचि रहती है व्यक्ति को। एट्थ, थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में रहता है तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि थर्ड हाउस लॉर्ड जब सेकंड में रहेगा तो सेकंड में रहने से क्या होगा कि व्यक्ति इंक्लाइंड रहेगा मनी के लिए। जब थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ में चला जाएगा तो व्यक्ति अपनी मेहनत लगाएगा किस चीज के लिए, इंक्लिनेशन किस तरफ रहेगा उसका, दूसरे पैसे की तरफ इंक्लिनेशन रहेगा उसका, इंक्लिनेशन तंत्र मंत्र की तरफ रहेगा उसका, इंक्लिनेशन जो है एस्ट्रोलॉजी की तरफ रहेगा, ठीक। उसका इंक्लिनेशन जो है वो सीक्रेट्स को जानने में रहेगा कि यार इसके पीछे क्या है। अब आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि सपोज करो उनको कोई बात पता लग जाए कि ऐसा ऐसा फला फला कुछ हुआ है, कुछ घटित हुआ है, तो अब एट्थ हाउस जो है वो सीक्रेट का है, तो
उनको अगर ये पता चल जाए कि यहाँ कोई ना कोई सीक्रेट इन्वॉल्व है, तो जब तक वो सीक्रेट उनको नहीं पता चलेगा, उनकी जिंदगी जो है वो हराम रहेगी, उनको नींद नहीं आएगी रात को। क्यों? उनको वो पता चलनी चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो उनको बहुत एक कीननेस रहती है सीक्रेट्स को जानने की। और नाइन्थ हाउस में जब थर्ड हाउस लॉर्ड रहेगा, तो आप हायर लर्निंग की तरफ जाएंगे। आपका हमेशा मन जो रहेगा वो हर विषय के हायर जो उसका लेवल है उसको जानने के लिए कहीं ना कहीं आपका एक इच्छा रहेगी, ठीक? अगर थर्ड हाउस लॉर्ड 10th हाउस में रहेगा, तो आपको जो इंक्लिनेशन रहेगी वो स्टेटस की रहेगी। आपके लिए स्टेटस जो है वो बहुत बड़ी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, जिसको लोग एडमायर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको वो व्यक्ति बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिखता है उस व्यक्ति के पास स्टेटस है, उसके पास अथॉरिटी है। तो यू विल ऑलवेज बी इंक्लाइन टुवर्ड्स अथॉरिटी, ठीक? तो करियर की तरफ आपका इंक्लिनेशन जो है बहुत रहेगा। 11th हाउस जो है, तो आपका इंक्लिनेशन जो है वो सोशल सोशली बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं बड़े मिलनसार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं 11th हाउस के साथ में बहुत गहरा संबंध बन जाता है। तो थर्ड हाउस वैसे भी नेटवर्किंग है, इंक्लिनेशन भी है, 11th में चला गया तो आदमी को सोशली बड़ा एक्टिव कर देगा। और यदि थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में है, 12वें घर में है, तो आपकी इंक्लिनेशन क्या रहेगी? आपकी इंक्लिनेशन रहेगी 12th हाउस की चीजों की तरफ, खर्चे की तरफ। खर्चे की तरफ आपकी इंक्लिनेशन रहेगी, फॉरेन कंट्री जाने की आपकी इंक्लिनेशन रहेगी। अब थर्ड हाउस लॉर्ड जब देखिए, 12th हाउस खर्चा सबने करना हो, लेकिन थर्ड हाउस होता है इंक्लिनेशन का, अट्रैक्शन का। तो बड़ी अजीब सी प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूं। थर्ड हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठेगा, तो आपका जो इंक्लिनेशन रहेगा, आपको जो चीज अट्रैक्ट करेगी, आपको कौन सी चीज अट्रैक्ट करेगी? जो महंगी हो, सस्ती चीज से आप अट्रैक्ट नहीं हो। इसलिए आप देखेंगे कि जिन लोगों का थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, तो वो कहीं अगर खरीदारी के लिए जाएंगे और उनके सामने दो वस्तुएं टंगी हैं, जिस पे एक पे $10 का टैग है, दूसरे पे $20 का टैग है, तो वो बिना देखे बिना एनालिसिस किए सीधे वो जो $20 वाली चीज है उसको वो करेंगे, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है? खर्चे की तरफ। तो दे विल ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स द कॉस्टलीस्ट थिंग्स। तो ये जो है, ये थर्ड हाउस की एक प्रिडिक्शन बनी। तो थर्ड हाउस, आपका थर्ड लॉर्ड किस घर में बैठा है, वो चीज आपकी मैच करती है, तो परफेक्ट है, ठीक है जी? तो फोर्थ हाउस जो है वो है प्रॉपर्टी। फोर्थ हाउस जो है वो है आपका लग्जरी। फोर्थ हाउस जो है वो है आपका कंफर्ट, ठीक? तो आपको अपने कंफर्ट्स, अपनी लग्जरी कहां से प्राप्त होगी कुंडली में, ये आपको किस चीज से पता चलेगा? फोर्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट से पता चलेगा। फर्स्ट हाउस में यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो इसका अर्थ क्या है? कि आप खुद प्रॉपर्टियां बनाएंगे। सेकंड हाउस में है, तो जो आपने अपना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, उस बैंक बैलेंस को यूज करेंगे प्रॉपर्टी बनाकर। तीसरे घर में, अगर आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो तीसरे घर में जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड होता है, देखिए तीसरा घर जो है वो अभी मैंने बताया
किसका है, एफर्ट्स का है, तो सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे। फोर्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है फोर्थ हाउस, तो आप इजिली आपको प्रॉपर्टियां मिल जाएंगी, ठीक है, कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। अब देखिए चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं एस्ट्रोलॉजी में। फिफ्थ हाउस कौन है? फिफ्थ हाउस संतान है, फिफ्थ हाउस प्रथम संतान है। फोर्थ लॉर्ड कहाँ गया? फिफ्थ हाउस में चला गया। प्रिडिक्शन क्या बनी भैया? एक बात बताइए, जब आपकी प्रथम संतान हुई तो आपकी प्रथम संतान होने के बाद क्या आपने घर बनाया या क्या आपको घर मिला तभी? ठीक, व्यक्ति कहेगा हाँ भाई ये हुआ है मेरे साथ। क्यों? फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है वो फिफ्थ में चला गया। देन किसी ने कहा भाई मेरा फोर्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में है, छठे घर में है, तो छठे घर में फोर्थ हाउस का लॉर्ड छठे घर में होने से क्या हुआ? अब दो बातें होती है, छठा घर लिटिगेशन भी है और छठा घर लोन भी है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया अपनी जब भी प्रॉपर्टी परचेज करो ना लोन के थ्रू परचेज करना। वो आदमी कहेगा क्यों? आप कहना कि अगर आपने लोन के थ्रू परचेज नहीं करी तो आपका फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ में गया है, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और अगर लड़ाई झगड़े नहीं तो लिटिगेशन भी हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पे। और मैंने देखा ऐसे लोगों को जिनका फोर्थ लॉर्ड जो है वो सिक्स्थ हाउस में है, साथ में और भी थोड़ा सा मैलिफिक एस्पेक्ट्स आ गया, आठवें का कनेक्शन बारहवें का कनेक्शन बन गया। हुआ क्या कि व्यक्ति ने प्रॉपर्टी परचेज करी, बाद में उसको पता चल रहा है कि जो प्रॉपर्टी परचेज की है वो तो ऑलरेडी किसी के नाम पे है, यानी कि ऑलरेडी तीन चार लोग उस प्रॉपर्टी के कागज लिए घूम रहे हैं। फाइनली हुआ क्या कि वो लिटिगेशन में चले गए। अब उस प्रॉपर्टी के लिए बेचारे लिटिगेशन में उसमें कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, फोर्थ लॉर्ड यदि सेवंथ हाउस में है, सप्तम भाव में, तो आप अपनी प्रॉपर्टी मैरिज के बाद बनाएंगे, या ये कह लीजिए कि जैसे ही आपकी मैरिज होगी उसके बाद, आपकी मैरिज होने के बाद आपको कंफर्ट, लग्जरी ये सब आपकी लाइफ में आएगी। क्यों? बिकॉज सेवंथ हाउस इज मैरिज, फोर्थ हाउस इज प्रॉपर्टी। हम ये भी कह सकते हैं जब फोर्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में आता है, योर वाइफ में ब्रिंग यू प्रॉपर्टी। आपकी भाई शादी हुई तो शादी में पता चला कि आपको प्रॉपर्टियां मिल गई। ठीक, दूसरा ये भी होता है कि फोर्थ हाउस जब सेवंथ हाउस में हो तो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी परचेज करता है अपनी वाइफ के नेम पे करता है या फिर पार्टनरशिप में करता है। अगर फोर्थ लॉर्ड अष्टम में बैठ गया तो फोर्थ लॉर्ड का अष्टम में बैठना क्या होता है? वो ये बताता है कि इस व्यक्ति को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज जो है इसके पास होती हैं। फोर्थ लॉर्ड यदि नाइन्थ हाउस में बैठता है तो नाइन्थ हाउस में बैठना जो है वो क्या है? लक है। तो लक के सहारे भी इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी जो है वो मिलेगी। नाइन्थ हाउस फादर भी है तो फादर आपकी हेल्प करते हैं प्रॉपर्टी परचेज करने में। जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे फादर का उसमें कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रोल रहेगा, या हो सकता है प्रॉपर्टी फादर के नाम पर परचेज करें। टेंथ हाउस, जब भी फोर्थ लॉर्ड टेंथ हाउस में जुड़ता है तो टेंथ हाउस आपका स्टेटस है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी है। तो फोर्थ हाउस जो है जब टेंथ हाउस के अंदर जाएगा फोर्थ हाउस लॉर्ड, तो आपका स्टेटस जो है वो प्रॉपर्टी से कनेक्ट हो गया, और जो आपका करियर है उसके अंदर प्रॉपर्टी है, यानी कि अपने करियर से ही आप प्रॉपर्टियां जो है वो बनाओगे। जैसे जैसे करियर की आपके एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टीज भी एड ऑन होती चली जाएगी। ठीक, दीज ऑल आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, व्हाट अबाउट नेगेटिव? जब नेगेटिव हाउस की बात आएगी तो नेगेटिव एस्पेक्ट की भी हम बात करेंगे, अभी सिर्फ हाउस लॉर्ड की बात आ रही है। ठीक, अभी जो है वो हम सिर्फ हाउस टू हाउस कंसेप्ट ढूंढ रहे हैं,
मैंने अभी क्या बोला था आप लोगों को, इतना देखिए मैं समझता हूं कि थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लोग भी लगाएंगे। अभी मैंने एक बात कही कि फोर्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठा है, तो ये लिटिगेशन की तरफ भी इशारा कर रहा है, लोन की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे ही फोर्थ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में बैठा है तो वो ऑब्स्टेकल की तरफ भी इशारा कर रहा है और वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे ही जो फोर्थ लॉर्ड जो है वो ट्वेल्थ में बैठेगा तो वो प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री की तरफ भी इशारा कर रहा है और प्रॉपर्टी लॉस की तरफ भी इशारा कर रहा है। तो इतनी बुद्धि तो हम खुद भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों इस तरीके से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि जब हम बात करते हैं कस्पल सब लॉर्ड्स की, कस्पल सब लॉर्ड्स की, फॉर एग्जाम्पल मेरे को प्रॉपर्टी के कस्पल सब लॉर्ड को देखना है, फोर्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड जो है वो मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा, तो उसके अंदर जो फर्दर इन्वॉल्वमेंट रहती है, लाइक आठवां घर अगर इन्वॉल्व हो गया तो प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम्स है ये पता आ गया। अगर ट्वेल्थ हाउस इन्वॉल्व हो गया तो इसका मतलब वहां लॉसेस भी आ गए, ठीक है। हाउस लॉर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट और कस्पल सब लॉर्ड। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी चीज ना किसी से ज्यादा या कम इंपॉर्टेंट नहीं होती। अभी जो मैं चीज बता रहा हूं ना, ये सिर्फ चार्ट को पढ़ने का एक सिंपलेस्ट वे दे रहा हूं कि एक चार्ट को आपने बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया, चार्ट में सिर्फ एक रीडिंग ली कि ये हाउस लॉर्ड यहाँ पर बैठा हुआ है, ये हाउस लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो उससे इंडिकेशंस क्या आ रही है, उन इंडिकेशंस को फर्दर वेरीफाई किया जाता है कस्पल सब लॉर्ड के द्वारा, ठीक है। कस्पल सब लॉर्ड किस लिए होता है? कस्पल सब लॉर्ड इज ऑल अबाउट फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ अ चार्ट, ठीक। अरे भाई मैंने क्वेश्चंस होल्ड ही किए हुए हैं लेकिन आप लोग नहीं समझते ना उस चीज को, आप लोग बीच में डाल रहे हैं उस चीज को। मैं तो अपना जो चीजें हैं वो क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं फ्लो में चीजें बता रहा हूँ, लेकिन नहीं आपने करना है उसके बीच में कुछ ना कुछ करिए, नुकसान आप लोगों का है मेरा नहीं है। और अगर फिर दोबारा से मेरे पास कोई क्वेश्चन आया, अभी अगर किसी और का क्वेश्चन आया मैं चैट अभी के अभी ब्लॉक कर दूंगा, फिर सोचते रहिएगा क्या है क्या नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए ना संयम चाहिए होता है, और अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि आपको बहुत आता है तो फिर गलत फहमी में रह जाएंगे आप लोग। फोर्थ हाउस समझ में आ गया किस चीज का है। फिफ्थ हाउस पंचम भाव जो है वो लर्निंग का है, ठीक है। पंचम भाव जो है वो लर्निंग का है, पंचम भाव एक प्रकार से आपका पैशन है, ठीक। तो जिस तरीके से अभी हमने फर्स्ट हाउस को किया कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड इस घर में गया, इस घर में गया, इस घर में गया, क्या क्या चीजें हुई। सेकंड हाउस लॉर्ड जो है वो किन किन घरों में गया तो उसने क्या रिजल्ट्स दिए। थर्ड हाउस जो है वो किन किन घरों में गया उससे क्या रिजल्ट्स मिले। फोर्थ हाउस जो है वो किन किन घरों में गया क्या रिजल्ट्स मिले। ऐसे ही फिफ्थ हाउस जो है वो बताएगा। सिक्स्थ हाउस जो है आपका डिस्प्यूट, आपका जो डिस्प्यूट है वो किस चीज को लेकर आपका डिस्प्यूट हो सकता है वो सिक्स्थ हाउस बताएगा। सेवंथ हाउस जो है आपका पार्टनर कहां से आएगा, आपकी शादी का जरिया कौन बनेगा, ये आपके सेवंथ हाउस से पता चलेगा। सेवंथ हाउस फर्स्ट में है तो शादी कैसे हुई, शादी हुई खुद के एफर्ट्स के द्वारा। सेकंड है तो कैसे हुई कि फैमिली में से किसी ने जो रिकमेंडेशन है वो करी। थर्ड में है तो कैसे हुई कि कहीं ना कहीं कुछ एडवर्टाइजमेंट या किसी मीडिएटर के थ्रू हुई। फोर्थ हाउस में है
तो जहां हम रह रहे हैं वहीं से हमें पार्टनर मिला। फिफ्थ हाउस में है तो लव मैरिज हुई। सिक्स हाउस में है तो पार्टनर जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी बैड हेल्थ रह सकती है पार्टनर की, या हो सकता है सिक्स हाउस जो है डॉक्टर लॉयर का भी है, तो योर पार्टनर कैन बी ए डॉक्टर और ए लॉयर, ठीक है। सेवंथ लॉर्ड सेवंथ हाउस में है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज दिखाता है, ठीक है। अगर सेवंथ लॉर्ड सिक्स में है तो थोड़ा सा सिक्स हाउस जो है वो तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात भी करता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हिंदी में इसको बोलते हैं वैचारिक मतभेद। सेवंथ लॉर्ड जब आपका सिक्स हाउस में हो, सप्तम भाव का स्वामी केपी चार्ट में आपके छठे घर में बैठा हो, आप सामने वाले से साफ साफ पूछिए कि भाई एक बात बताइए, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। आपका पार्टनर जो है वो थोड़ा सा बीमार रहता है, अब वो बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा कि आपका जो पार्टनर है इसका मतलब भाई वो डॉक्टर लॉयर या एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करता है, क्योंकि छठे घर की जो जो चीजें है ना उसके अंदर किसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, सेवंथ हाउस लॉर्ड की हो जाएगी। फर्स्ट हाउस लॉर्ड कौन था, आप थे। सेवंथ हाउस लॉर्ड कौन है, आपका पार्टनर है। आठवें में है तो सेवंथ लॉर्ड का आठवें में होना, मैरिड लाइफ में बिकरिंग, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स होना इनके बारे में बताता है। सीक्रेट रिलेशंस भी व्यक्ति के हो सकते हैं अगर सेवंथ लॉर्ड एट्थ में है तो, अनएथिकल रिलेशंस की तरफ भी इशारा करता है। सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है तो आपका पार्टनर जो है बहुत आइडियलिस्टिक हो सकता है, विजडम ओरिएंटेड हो सकता है। सेवंथ लॉर्ड यदि टेंथ हाउस में है तो पार्टनर जो है करियर ओरिएंटेड हो सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके स्टेटस में राइज कब होगा, जब आपकी मैरिज होगी। सेवंथ हाउस लॉर्ड यदि इलेवेंथ हाउस में है तो शादी के बाद आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी, पार्टनर जो है वो सोशली बड़ा एक्टिव हो सकता है। और सेवंथ लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में है तो ये डिवोर्स भी दिखाता है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस जो है वो डिवोर्स है, सेपरेशन है। सिक्स्थ हाउस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एट्थ हाउस बिकरिंग है। ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेपरेशन है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में उपाय नहीं, केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेमेडीज नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम मानते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम रेमेडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अभी हमने ट्वेल्थ हाउस की बात करी कि ट्वेल्थ हाउस जो है ना वो किसका, ट्वेल्थ हाउस जो है वो सेपरेशन का है, और ट्वेल्थ हाउस जो है वो ट्वेल्थ हाउस सेपरेशन है एंड फॉरेन कंट्री भी है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि ऐसा व्यक्ति शादी किसी ऐसे पार्टनर से करे जिसका कल्चर अलग है, या जो फॉरेन फॉरेन से है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो इसका ट्वेल्थ हाउस जो इसको सेपरेट करेगा वो उसका एक यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है ट्वेल्थ हाउस का। तो यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन ऑफ हाउसेस पर बड़ा जोर देते हैं, ठीक है। तो ये सेवंथ हाउस की है। जब हम एट्थ हाउस से जुड़ी हुई बात करते हैं तो एट्थ हाउस जो है वो पेन का है, वो प्रॉब्लम्स का है। तो एट्थ हाउस लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, आठवें घर की जो लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो आपको ये बताती है कि आपकी प्रॉब्लम का कारण कौन बनेगा। भाई प्रॉब्लम तो हर व्यक्ति की लाइफ में है ही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस हर व्यक्ति की लाइफ में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन हर आदमी की स्ट्रेस का, प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण है। तो आपका एट्थ लॉर्ड जिस घर में बैठेगा एक से लेकर बारह तक, वो हाउस आपकी स्ट्रेस का, आपकी प्रॉब्लम्स का कारण बन जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यदि फर्स्ट हाउस में आपका एट्थ हाउस लॉर्ड बैठा है, तो फर्स्ट हाउस में एट्थ हाउस लॉर्ड का बैठना क्या बताता है? ये बताता है कि आप खुद की गलतियों से परेशान रहेंगे। सेल्फ मेड मिस्टेक्स बोलते हैं ना, मतलब आदमी खुद ही इतनी गलतियां करता है कि जिसके जिसका जो कारण है उसको भोगना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे कोई दूसरा घर कारण नहीं बन रहा है, यहाँ पे सेल्फ से जुड़कर कारण आ रहा है। तो एट्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, तो कारण कौन है आप? एट्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा, तो क्या रीजन है आपकी परेशानियों का, आपकी फैमिली और वेल्थ। थर्ड हाउस के अंदर अगर एट्थ लॉर्ड बैठा तो थर्ड हाउस की चीजें। अब देखिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। एट्थ हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा, ठीक, एक व्यक्ति आया कि जी मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। बोला क्या कि सर वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट की, और जो रिपोर्ट सबमिट की उसको ढंग से चेक नहीं किया, और चेक ना करने के कारण जो है वो आगे जो है हायर अथॉरिटीज ने, मैंने अपने एंड पे ढंग से चेक नहीं करी, हायर अथॉरिटीज ने उसको पास कर दिया, और जब प्रोडक्ट बन के आ गया तो प्रोडक्ट फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग रिपोर्ट थी वो सही नहीं थी। बाद में वो बंदे पे जो है वो सारा वो आंसर आ गया उसका कि भाई क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। तो यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम का कारण क्या चीज बनी? यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम का कारण बना डॉक्यूमेंटेशन। इट मींस कि व्हेनेवर योर एट्थ लॉर्ड गोज टू थर्ड हाउस, तो आप कागजी कार्रवाई के अंदर बहुत मजबूत रहिए, क्योंकि अगर कागजी कार्रवाई में आपने ढील छोड़ दी तो ये आपको प्रॉब्लम में डाल देगी, पक्की बात है। एट्थ लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में बैठ गया, अभी आप में से कुछ लोग बोल रहे थे, अभी आप में से किसी ने बोला कि मैं सब पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? तो ये जो एट्थ हाउस की प्लेसमेंट है ना, ये मैं नेगेटिव एस्पेक्ट ही बता रहा हूँ, तो देख लीजिएगा अपने चार्ट में नेगेटिव एस्पेक्ट कहाँ पर। ऐसे ही जो सिक्स्थ हाउस लॉर्ड है, अब नेगेटिव एस्पेक्ट के तीन घर है, देर आर थ्री हाउसेस जो नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, 6, 8 और 12। क्यों? छठा घर किस चीज का? छठा घर है डिस्प्यूट्स का, लड़ाई का, एनिमिटी का, शत्रुता का। आठवां घर किस चीज का? पेन का, मिजरी का, बैड लक का। ट्वेल्थ हाउस किस चीज का है? लॉसेस का। अब सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जहां बैठा, छठे घर का लॉर्ड जहां बैठा, तो डिस्प्यूट्स होंगे, लड़ाइयां होंगी, किस चीज को लेकर? तीसरे घर की चीज को लेकर। एट्थ हाउस लॉर्ड यदि बैठा किसी घर में, वो बताएगा कि प्रॉब्लम किस चीज को लेकर हो रही है। और ट्वेल्थ हाउस जो है वो बताएगा कि आपके लॉसेस किस लिए हो रहे हैं। लेकिन यहां पर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसा कि मैंने बताया कि हम यूटिलाइजेशन को बहुत तवज्जो देते हैं, सिक्स्थ हाउस जो है वो यदि डिस्प्यूट है तो सिक्स्थ हाउस जो है वो एक सेट रूटीन भी है। एट्थ हाउस यदि पेन है, मिजरी है, तो एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यानी कि अगर आपको आठवां घर, देखिए एक एक कहावत है कि आपका सबसे बड़ा दर्द, आपके सबसे बड़ा जो पेन है, वही आपको लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्म भी करेगा। यानी कि अगर आपको किसी घर ने दर्द दिया है, किसी घर ने आपको रुलाया है, तो वही घर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव का कारण भी बनेगा। ये बात भी पक्की है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो एक तरफ आपको पीड़ित करता है और दूसरी तरफ आपको ट्रांसफॉर्म भी कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या है, अभी जो बात कर रहे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों काम करते हैं ज्योतिष में, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हमें देखना है कि हमें कौन सा एटीट्यूड लेकर चलना है।
ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में है, क्या मैं बोल रहा हूं, ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में चला गया तो ये दो चीजें बता रहा है। ये बता रहा है कि हम दो लैंग्वेजेस का यूज कर सकते हैं, या तो आपकी फैमिली आपका खर्चा करवा देगी, ठीक, आपकी फैमिली बोलेगी भाई हम पे खर्चा कीजिए, और अगर इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो मैं कहूंगा आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। किस पर? प्रॉपर्टी पर, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस इन्वेस्टमेंट भी है, ट्वेल्थ हाउस खर्चा भी है। अब आपने देखना वो किस तरीके से उसको कैसे पॉजिटिवली लेना है। देखिए कस्पल सब लॉर्ड जो अपना काम करते हैं करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि कस्पल सब लॉर्ड अपना काम नहीं करते, लेकिन ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं ये आपको कम समय में बहुत चीजें जो है, बिकॉज कस्पल सब लॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स की फर्दर वेरिफिकेशन है, कि यानी कि ये जो पॉइंट्स अभी काम कर रहे हैं इनकी फर्दर वेरिफिकेशन जो है वो कैसे होगी, वो कस्पल सब लॉर्ड्स, ठीक। तो पहले इन पर नजर मारनी है, मर्जी है आपकी, मारनी है नहीं मारनी, नहीं तो सीधे कस्पल सब लॉर्ड पकड़ लीजिएगा, ठीक है। आप में से कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है किसी भी चीज का। नाइन्थ हाउस, नाइन्थ हाउस लॉर्ड ये बताता है कि हु इज द सोर्स ऑफ योर लक, आपके लक का सोर्स क्या है, कौन सा एरिया ऐसा है जिस एरिया के अंदर आप खुद को लकी मानोगे या लक आपको फेवर करेगा। नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, आपके नेटिव प्लेस पर आपका लक आपको फेवर करेगा। फिफ्थ में है, आपके बच्चे आपके लिए लकी है। थर्ड में है तो ट्रेवल करना आपके लिए लकी है। सेकंड में है तो वेल्थ के मैटर्स में यू आर लकी। फर्स्ट हाउस में आपका नाइन्थ लॉर्ड है तो आप पैदा ही लक के साथ हुए हो। सिक्स्थ हाउस में है, योर सर्वेंट्स आर लकी फॉर यू, आपके जो एम्प्लॉयज आपके नीचे काम कर रहे हैं दे आर लकी फॉर यू। सेवन्थ हाउस में है तो योर पार्टनर इज लकी फॉर यू। एट्थ में है तो आपके इन लॉज आपके लिए लकी साबित होंगे। नाइन्थ में है तो आपके लक की फाउंडेशन अपने आप स्ट्रोंग हो गई, और लक जो है वो आपको एंसेस्टर्स के थ्रू आ रहा है, बिकॉज नाइन्थ हाउस इज योर डीएनए, ठीक है, जो आपका डीएनए जो चला रहा है उसका जो हाउस है वो नाइन्थ हाउस है। तो एंसेस्टर्स जो आपके पितर हैं, तो पितर की जिसको बोलते हैं पितृ कृपा के द्वारा जो है वो आपका भाग्य जो है उदय होगा। टेंथ हाउस जो है तो आप अपने प्रोफेशन के अंदर लकी हैं। इलेवेंथ में है तो आपका सोशल सर्कल जो है वो आपको लक देगा, और ट्वेल्थ हाउस में यदि आपका नाइन्थ लॉर्ड है तो आपको लक जो है वो कहाँ मिलेगा, आपके आपको लक का सपोर्ट कहाँ मिलेगा, घर में नहीं मिलेगा, नेटिव प्लेस पे नहीं मिलेगा, घर से कहीं दूर मिलेगा, घर से किसी ऐसी जगह पर मिलेगा जहां पर कल्चर या एनवायरनमेंट चेंजेस हो। ट्वेल्थ हाउस वो जगह है जहां या तो कल्चर बदल जाए या एनवायरनमेंट बदल जाए, ठीक, क्लियर हुआ। आप लोग इस चीज को मैच कर रहे हैं अपनी अपनी कुंडलियों पर, जो चीजें मैं बता रहा हूं अभी आप सब लोग उसको मैच कर रहे हैं अपनी कुंडलियों पर, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुड, अच्छा है। टेंथ हाउस, टेंथ हाउस आपका कर्म क्षेत्र, प्रोफेशन। टेंथ हाउस का लॉर्ड किस हाउस में बैठता है उस हाउस से जुड़कर आपने कर्म करना है।
टेंथ हाउस जो है उसका लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस से जुड़कर आपने अपना प्रोफेशन करना है। अब किसी ने कहा कि भाई मेरा जो टेंथ लॉर्ड है फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठना तो टेंथ हाउस लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना मींस किस चीज से जुड़ा हुआ है आपका कार्य? बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जिसका भी टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे उसको बॉडी से जुड़ा हुआ कोई काम करे, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट। देखा आपने फिजियोथेरेपिस्ट का काम क्या होता है, अभी बॉडी के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कुछ है तो उसको ठीक करना। और क्या है फर्स्ट हाउस का? फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन भी फर्स्ट हाउस के अंदर आता, फिजियोथेरेपिस्ट उसके अंदर आता। सेकेंड हाउस यदि है दूसरा घर, साइकेट्रिस्ट भी फर्स्ट हाउस में आते हैं। करेक्ट, बिल्कुल। फर्स्ट हाउस आपका एटीट्यूड है, आपका बिहेवियर है, तो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू बिहेवियर, ठीक है, वो भी आपका फर्स्ट हाउस में आएगा। सेकेंड हाउस है तो सेकेंड हाउस में जो है वो ज्वेलर्स आएंगे, सेकेंड हाउस में फैमिली बिजनेस आएगा, सेकेंड हाउस में बैंकिंग आएगा। थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस में आप टूर एंड ट्रेवल का काम कीजिए, आप एक कमीशन एजेंट का काम कीजिए, आप कोई एजेंसी बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक, फ्रेंचाइजी जिसको हम बोलते हैं वो लेकर काम कर सकते हैं। फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस में आप एजुकेशन का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ठीक, व्हीकल से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी में भी कर सकते हैं। सेकंड हाउस में एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, सेकंड हाउस में ज्वेलर्स या जेम्स आते हैं, ठीक है। तो आप बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर हमारा वो जो कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी का वो नहीं बन रहा है चार्ट में, लेकिन फिर भी हम एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं, तो क्या कोई वे आउट है ऐसा? तो बिल्कुल है जी। फॉर एग्जाम्पल किसी का टेंथ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, उसको बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो हम उसको बोलेंगे अच्छा आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान दीजिए, फर्स्ट हाउस हेल्थ का है, ठीक। सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस में हम बोलेंगे आप जेमस्टोन रिकमेंडेशन पर ज्यादा काम कीजिए कि कौन सा जेमस्टोन सामने वाले को रिकमेंड करना है। थर्ड हाउस है तो हम बोलेंगे आप अपनी सर्विसेज जो है उन सर्विसेज को है जो ऑनलाइन जो है वो दीजिए। फोर्थ हाउस में यदि आपका टेंथ हाउस लॉर्ड है और आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि भाई आप एस्ट्रो वास्तु कीजिए, आपका एस्ट्रोलॉजी भी होगा प्लस वास्तु जो है विच इज गेटिंग कनेक्टेड टू फोर्थ हाउस, वो दोनों चीजें वहां पर आ जाएंगी, तो आप एस्ट्रो वास्तु कीजिए। फिफ्थ हाउस में है तो फिफ्थ हाउस के अंदर टेंथ लॉर्ड का आना ये अपने आप में आपको बहुत बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बनाता है। रीजन बींग कि फिफ्थ हाउस जो है वो सॉल्यूशंस का है, वो उपाय का है, तो आपका कर्म ही उपायों से जुड़ा हुआ है, तो आप एस्ट्रोलॉजर बनकर अच्छे अच्छे उपाय करवा सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में यदि आपका जो है वो है प्लेनेट है तो बहुत अच्छा है, टेंथ लॉर्ड का सिक्स्थ हाउस में बैठना बहुत बढ़िया है, क्योंकि टेंथ लॉर्ड के अंदर सिक्स्थ हाउस, टेंथ लॉर्ड सिक्स्थ में बैठे तो भी एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। रीजन बींग कि छठा घर भी जो है ना, देखिए छठा घर रोग का है, रिपु का है और ऋण का है। रोग मतलब डिजीज, रिपु मतलब लोन, ठीक है, एंड सॉरी रिपु मींस शत्रु एनिमी एंड ऋण मींस लोन। तो अब कोई भी व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर के पास आता है तो ये तीनों प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उसमें कवर हो जाती है, जो भी वो प्रॉब्लम्स लेके आता, भाई कोई अपने शत्रु से पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, कोई लोन्स वगैरह के कारण पीड़ित है, तो यहाँ पे भी आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं। टेंथ लॉर्ड यदि सेवंथ हाउस में है तो हम बोलेंगे आप रिलेशनशिप एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, यदि नाइन्थ में है
यदि नाइन्थ में है तो सॉरी यदि एट्थ में है तो एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी खुद भी है, बहुत बढ़िया है। टेंथ लॉर्ड यदि नाइन्थ में है तो ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना जो है वो टेंथ लॉर्ड जिनका नाइन्थ में होता है, इन लोगों को स्पेशली रिकमेंड किया जाता है आप एस्ट्रोलॉजी करिए ही करिए। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस इज गाइडेंस, नाइन्थ हाउस इज काउंसिल, तो नाइन्थ हाउस जो है बहुत अच्छा गाइड करता है व्यक्ति जिनका टेंथ लॉर्ड नाइन्थ में है। टेंथ लॉर्ड यदि टेंथ में है तो टेंथ लॉर्ड का टेंथ हाउस में होना मींस के ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई आप करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, आप करियर एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट बनिए, आप उसके अंदर बहुत अच्छा करेंगे। टेंथ लॉर्ड यदि इलेवेंथ हाउस में है तो इलेवेंथ हाउस तो डिजायर फुलफिलमेंट का है ही, इलेवेंथ हाउस गेन्स का भी है, तो ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए जो अपनी लाइफ में करियर के किसी भी उसमें बहुत आगे जाना चाहता है, बहुत बढ़िया है उसके लिए। और यदि टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में, टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो घर पर एस्ट्रोलॉजी ना कर घर से कहीं दूर जाकर एस्ट्रोलॉजी कीजिए, घर से कहीं दूर एस्ट्रोलॉजी कीजिए। ऐसे लोग जिनका टेंथ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में बैठता है, ऐसे लोगों को जो अपने कर्म के अंदर स्थायित्व मिलता है, जो कर्म के अंदर अपना सेट होते हैं, वो घर से कहीं दूर जाकर सेट होते हैं। अगर घर के आसपास करना चाहेंगे ना तो प्रॉब्लम में रहेंगे, या उनको निरंतर रूप से अपने करियर जो है वो बदलने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि फॉरेन क्लाइंट्स की तरफ ध्यान दें, मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को या अपने एस्ट्रोलॉजिकल जो आपका जो एरिना है उसको फॉरेन कंट्री के अंदर आप एक्सपेंड करने की कोशिश करें, ठीक। तो यदि आप एस्ट्रोलॉजी करना भी चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एस्ट्रोलॉजी के कौन से पार्ट पर खुद को ज्यादा जो है वो फोकस रखना है, ठीक है। इलेवेंथ हाउस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेवेंथ हाउस गेन्स का होता है, इलेवेंथ हाउस डिजायर फुलफिलमेंट का होता है, तो जिस व्यक्ति का भी टेंथ लॉर्ड इलेवेंथ में बैठता है आमतौर पर हम इसको ये बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए आपको सक्सेस मिल जाए। टेंथ लॉर्ड का इलेवेंथ हाउस में बैठना एक लाइन है कि करियर अचीवमेंट विद लेस एफर्ट्स, ठीक है, मतलब बहुत कम जो है वो एफर्ट्स के बावजूद आपको करियर अचीवमेंट जो है वो मिल जाएगी। तो आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी टेंथ लॉर्ड आपका जहां बैठा है उससे जुड़कर काम कर रहे हैं? क्योंकि यदि आप उससे जुड़कर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिल जाएगी, और अगर आपने वो घर जो है वो छोड़ा हुआ है उसको आप यूज में नहीं ला रहे, इट मींस कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी आपको आज नहीं तो कल। क्योंकि देखिए एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपने डेस्टिनी पैटर्न को फॉलो करने का एक तरीका है। अब आप कहेंगे डेस्टिनी चेंज हो सकती है? ना, डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, डेस्टिनी फॉलो की जा सकती है। डेस्टिनी को फॉलो कर लीजिए, डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। आपका टेंथ लॉर्ड यदि एट्थ हाउस में चला गया, इट मींस कि आपको अपने करियर में पीड़ा रहेगी, पक्की बात है पीड़ा रहेगी। लेकिन अगर आपने एट्थ हाउस को ही अपना करियर बना लिया, एट्थ हाउस की चीजों को ही अपना करियर बना लिया, तो आपका करियर ठीक चलेगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे, डेस्टिनी चेंज हुई ना? यहाँ पे क्लियर क्लियर इंडिकेशन ही है कि टेंथ लॉर्ड एट्थ में गया तो आपको जो अपना करियर बनाना वो आठवें घर से जुड़ के बनाना, आठवें घर से जुड़ के करियर बनाएंगे ठीक रहेगा। सर प्लेसमेंट शुड बी सीन फ्रॉम भाव चलित चार्ट ओनली, एब्सोल्युटली वी आर टॉकिंग अबाउट भाव चलित चार्ट ओनली। भाव चलित चार्ट के ही हाउसेस, भाव चलित चार्ट के ही हाउस लॉर्ड्स, भाव चलित चार्ट के ही हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट, हमें हम दूसरे चार्ट की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर सीधे बात हाउस टू हाउस हो रही है, यहां पर राशि की कोई बात नहीं हो रही कि मेरा टेंथ लॉर्ड किस राशि में, वो बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर बात हो रही है सीधा सीधा हाउस लॉर्ड की, कि भैया ये हाउस लॉर्ड है ये उसकी प्लेसमेंट है। तो
तो उसके अकॉर्डिंग सीधा सामने भाव चलित चार्ट रखो, उसके फर्स्ट हाउस को देखो कहां गया, एंड देन उसके अकॉर्डिंग बात करें। फर्स्ट नाइन्थ सेकेंड एंड इलेवेंथ हाउस आर कंजंक्ट। देखिए कंजंक्शन और एस्पेक्ट ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहां पर हम कस्पल सब लॉर्ड से उसको फर्दर वेरीफाई करेंगे। अब आप पूछोगे जी कंजंक्शन अलग है, कस्पल सब लॉर्ड जो स्क्रिप्ट देगा वो अलग है? नहीं, जो आपके एस्पेक्ट्स और कंजंक्शंस में घर इन्वॉल्व होते हैं वही घर आपके कस्पल सबलॉर्ड की स्क्रिप्ट के अंदर निकल के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरा टेंथ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस के साथ में कंजंक्ट है, नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ में कंजंक्ट है। कौन? मेरा टेंथ लॉर्ड। तो मेरे टेंथ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस लॉर्ड के साथ में कंजंक्ट होना क्या बताता है? टेंथ लॉर्ड का नाइन्थ हाउस के टेंथ लॉर्ड, मेरा टेंथ लॉर्ड मल्लिकार्जुन जी, मैंने कहा कि मेरी कुंडली में यदि टेंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्ट है या उसके द्वारा एस्पेक्टेड है, तो ये क्या बता रहा है प्रोफेशन के केस में? ये गाइडेंस का प्रोफेशन बता रहा है, प्रोफेसर का प्रोफेशन बता रहा है, काउंसलिंग का प्रोफेशन बता रहा है ना? अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है सर, यहाँ पे कंजंक्शन काम कर रहा है, एस्पेक्ट काम कर रहा है। तो जब हम टेंथ कस्पल सब लॉर्ड को पकड़ेंगे जो कि हमारे प्रोफेशन की स्क्रिप्ट को बोल देगा पूरा पूरा, ये आपकी स्क्रिप्ट है, तो क्या होगा? देखिए टेंथ कस्पल सब लॉर्ड की जब मैं स्क्रिप्ट निकालता हूं तो मेरा टेंथ कस्पल सब लॉर्ड जो है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है। किसमें बैठा है? नाइन्थ हाउस में। तो अब टेंथ कस्पल सब लॉर्ड का नाइन्थ हाउस में बैठना क्या बता रहा है? वही चीज बता रहा है, करियर कंसल्टेंट के रूप, करियर कंसल्टेंट के रूप। आप लोग एस्पेक्ट और कंजंक्शन की जब बात करते हैं और हम जब कस्पल सबलॉर्ड की बात करते हैं तो कस्पल सबलॉर्ड उन सब चीजों को ऑटोमेटिकली कवर अप कर लेता है जो एस्पेक्ट और कंजंक्शन के रूप में वहां मौजूद है। सर अगर एक राशि दो हाउसेज में है तो दोनों घरों का एक ही लॉर्ड होगा, 100% एक ही लॉर्ड होगा। मान लीजिए कि एक ही राशि, जैसे कोई कर्क राशि है तो कर्क राशि थर्ड हाउस में आ रही है, कर्क राशि फोर्थ हाउस में आ रही है, तो आप थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड एक ही कंसिडर करोगे। वी आर रीडिंग द हाउस लॉर्ड ऑफ भावचलित चार्ट, नॉट द काल पुरुष चार्ट। Is that correct, sir? Yes, it is correct. हम लाल किताब नहीं पढ़ रहे हैं, हम केपी पढ़ रहे हैं। When we will be studying लाल किताब, हम काल पुरुष कुंडली रीड करेंगे। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, हम ये रीड करेंगे। If 10th कस्पल सब लॉर्ड इन 6th and 10th लॉर्ड इन 4th, then what will say? 10th कस्पल सब लॉर्ड 6th हाउस में, छठे घर में, वही सब चीजें बताएगा जो मैंने बताया कि टेंथ लॉर्ड छठे में होता है तो क्या करता है। और अगर टेंथ लॉर्ड फोर्थ में है तो वो प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है, लेकिन टेंथ कस्पल सब लॉर्ड जो भी प्लैनेट होता है एक्स वाई जी,
वो कोई एक घर नहीं बता रहा होता, वो कई सारे घर अपनी स्क्रिप्ट में लेके चलता है। ठीक है, तो अगर आपका टेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और टेंथ कस्पल सब लॉर्ड को जब हम चेक करते हैं, उसकी स्क्रिप्ट को चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हाउस भी हमें मैच करता हुआ मिलता है जो हमारा नॉर्मल कुंडली के अंदर हम पढ़ते हैं। इसलिए यदि हमने एस्ट्रोलॉजी को सही से समझा या एस्ट्रोलॉजी को किया ढंग से, तो हमें चीजें मैच करती हुई अपने आप मिल जाएंगी। हमें सिर्फ उस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पुख्ता करना है अपनी तरफ। मैंने अभी अभी एक बात कही आप लोगों को कि किसी का टेंथ लॉर्ड जो है वो फोर्थ लॉर्ड के साथ में कंबाइन है, तो टेंथ लॉर्ड का फोर्थ लॉर्ड के साथ कंबाइन होना क्या बताता है? कि भाई ये आदमी जो है ये प्रॉपर्टी बिजनेस में हो सकता है। सर प्रायोरिटी एसएल को देंगे और हाउस लॉर्ड को? अरे भैया प्रायोरिटी प्रायोरिटी मैंने क्या बोला, प्रायोरिटी इसको प्रायोरिटी नहीं बोलते हैं, जो आप शब्द बोल रहे हो ना प्रायोरिटी, ये शब्द गलत है। प्रायोरिटी आप दोनों को दे सकते हैं, आप खाली खाली हाउस लॉर्ड को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, आप सब लॉर्ड को भी डायरेक्टली प्रायोरिटी दे सकते हैं, लेकिन सब लॉर्ड को आप वेरीफाई करते हैं कि जो आपके टेंथ लॉर्ड ने जो बात कही, टेंथ लॉर्ड जिन चीजों को बोल रहा है वही चीजें आपका टेंथ कस्पल सब लॉर्ड भी कहीं ना कहीं वही बातें आपको दिखाए, वही चीजें बोले। सर केपी में यूरेनस प्लूटो को कंसिडर करते हैं क्या? प्रमिल कांजी, मैं केपी के अंदर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को कंसिडर नहीं करता। सर एट्थ हाउस लॉर्ड इन सिक्स हाउस, देन हाउस यूटिलाइजेशन कैसे होगा? बिस्प मोहन राय जी, आपको एट्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में, आठवां घर क्या है? आठवां घर पीड़ा है। छठा घर क्या है? छठा घर बीमारी है। तो यहां दो बातें बनती है, आठवां घर छठे घर में होगा, आठवें घर का स्वामी छठे घर में होगा, हम कहेंगे ये व्यक्ति बीमारी से पीड़ित होगा, इसको बीमारी के द्वारा पीड़ा होगी। लेकिन आठवां घर किस चीज का है? अभी मैंने क्या कहा कि आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, आप लोग जो है वो गाइडेंस गिवर है। तो अब सामने वाला आपसे कहेगा जी इसका मतलब मैं हमेशा बीमारी से पीड़ा ही होता रहेगी मेरे को, तो आप क्या कहोगे? नहीं, आठवां घर किस चीज का है? आठवां घर है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में बैठ गया, छठे घर में जाके बैठ गया, इसका मतलब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन किन चीजों के द्वारा होगी? छठे घर के द्वारा होगी। तो हम क्या कहेंगे? भैया एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए। जब आप जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आप बॉडीली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, या आपकी कुंडली के अंदर जो है वो योग मिला हुआ है। आप कई लोगों को ऐसा देखेंगे जो बिल्कुल पतले से होते हैं, लकड़ी से होते हैं, और एकदम से बॉडी ऐसी बनाते हैं कि उसके बाद उनके जैसी बॉडी नहीं लगती किसी की। क्यों? क्योंकि उनका एट्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में है, ट्रांसफॉर्म कर लिया उन्होंने जिम के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा खुद को। एट्थ हाउस लॉर्ड इन सेवंथ, एट्थ हाउस इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेवंथ हाउस इज मैरिज, सेवंथ हाउस इज मैरिज, तो इट शोज ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मैरिज। अरे भैया यहाँ पे आप लोग पर्सनल क्वेश्चंस लेकर स्टार्ट हो गए। सर इन मिथुन लग्न एट्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड आर सेटल प्लेस्ड इन थर्ड हाउस, इट इज गुड और बैड? हाउ इट विल गिव रिजल्ट्स रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट? देखिए आपने कहा एट्थ लॉर्ड भी और नाइन्थ लॉर्ड भी सेटल है, वो थर्ड हाउस में बैठ गया, तो यहाँ पे पीड़ा भी तीसरे घर से आ रही है और व्यक्ति को लक भी तीसरे घर की चीजों से मिलेगा। अब जब कोई भी प्लेनेट गुड और बैड दोनों हाउसेस लेके चल रहा होता है और किसी एक हाउस में बैठता है, तो वो दोनों तरीके के काम करता है। यानी कि आपको थर्ड हाउस में आप लकी तो रहेंगे, यानी कि तीसरे घर की चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन तीसरे घर की चीजों से आपको पीड़ा भी होगी। हाउ अबाउट सिक्स लॉर्ड इन एट्थ?
सिक्स हाउस इज सर्विस, छठा घर इज सर्विस। तो सिक्स लॉर्ड इन एट्थ का मतलब है कि द जॉब यू विल परफॉर्म, जो आपकी जॉब रहेगी वो एट्थ हाउस से जुड़ी हुई रहेगी। जो आपका डेली रूटीन रहेगा उस डेली रूटीन में एट्थ हाउस का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, हम ये कहेंगे। एट्थ लॉर्ड इन ट्वेल्थ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन इन फॉरेन और थ्रू हाई एक्सपेंसेस एंड हाई स्टैंडर्ड। अरे भैया मैंने स्टैंडर्ड बोल दिया तो ऐसा काहे करते हो। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्वेल्थ हाउस योगा है, ट्वेल्थ हाउस मेडिटेशन है। तो आपकी लाइफ में योगा या मेडिटेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती है, ठीक है, बहुत बड़ा कारण बन सकती है। अगर आप योगा करते हैं मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, ये इसका वो होगा। ठीक, देखिए क्या होता है चीजों को ना, थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इंटरप्रिटेशन है ना उसको समझ के देखिए कि एक हाउस है, वो हाउस लॉर्ड है, वो कहीं बैठा है। नॉन वेज का कारक ग्रह, एडिक्टेड का कारक ग्रह कौन है? अरे भैया नॉन वेज का कारक ग्रह है शनि, एडिक्शन का कारक ग्रह है राहु, मार्स नॉनवेज का कारक नहीं है। मतलब आप मार्स को स्पेशली ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्स वेज है या नॉन वेज है। मार्स बेसिकली स्पाइसी है, तीखा, तो मार्स इज तीखा स्पाइसी। सैटर्न जो है वो नॉन वेज है। अगर एट्थ नाइन्थ का लॉर्ड सिक्स में बैठा हो तब कैसा लक होगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? आठवें घर का लॉर्ड छठे घर में बैठा है तो मैंने अभी बताया था कि ये बताता है पेन जो है वो डिजीज के द्वारा होगा। और नाइन्थ लॉर्ड जो है वो यदि सिक्स में बैठा है तो मतलब आपके लिए लकी कौन है? आपके लिए लकी आपके एम्प्लॉयज है। तो और अगर इसको दोनों को एम्प्लॉयज के कंटेक्स्ट में ही बात करें तो एम्प्लॉयज के वजह से आपको परेशानी भी आएगी और एम्प्लॉयज ही आपकी एम्प्लॉयज के कारण ही परेशानी होगी और एम्प्लॉयज ही आपकी किसका कारण बनेंगे? हाँ, लक का कारण बनेंगे। सर बहुत दुख देते हैं एम्प्लॉयज तो। ओके, ठीक है, या आप अगर अपना कुंडली बोल रहे हो तो मैं समझ सकता हूं कि एट्थ लॉर्ड सिक्स में है तो एम्प्लॉयज दुख देते होंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए कि ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता, मैं गलत हो सकता हूं, आप गलत हो सकते हो। यदि नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में बैठा है तो आपको जो लक जो आपका फेवर करता होगा आपको उस लक के पीछे भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज का हाथ होता। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में एक कहावत है कि आपको पता नहीं होता आप किसके कर्म का जो है वो फल भोग रहे हैं। तो जब नाइन्थ लॉर्ड सिक्स में होता है ना तो आदमी का कहीं ना कहीं वो जो कर्म भोग रहा है उसके पीछे उसके एम्प्लॉयज बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचेंगे, इसको लिबरल एक सोच के साथ जो है वो इसको सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेकेंड फोर्थ एट टेंथ कस्पल सब लॉर्ड सिटिंग एट ट्वेल्थ हाउस, सिद्धार्थ शंकर जी अभी कस्पल सब लॉर्ड की कहानी शुरू तो हो जाने दीजिए। अभी तो हमने सिर्फ हाउस लॉर्ड की बात करी, जब कस्पल सब लॉर्ड शुरू होंगे तब वो भी समझ में आ जाएगा क्या है। एट्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में होगा तो क्या एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो वास्तु ठीक रहेगा? आप खुद सोचिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे बताने से क्या होगा। पेट एनिमल टू गेट और नॉट, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है पेट एनिमल टू गेट और नॉट। ये तो कोई लॉजिक सा ही नहीं बना ना क्वेश्चन का कि पेट एनिमल रखे ना रखे।
पेट एनिमल का घर छठा घर होता है, मैं ये बता सकता हूँ। अब आप खुद देखिए कि पेट एनिमल रखना है या नहीं रखना। पेट एनिमल को हम छठे घर से देखते हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस का यूटिलाइजेशन कैसे होगा बताइए आप लोग। जिस किसी का भी इस टाइम मरकरी या जुपिटर काम कर रहा है उसको थोड़ा सा लगाइए काम पर मरकरी और जुपिटर को और बताइए ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस कैसे काम करेगा। वर्क इन हॉस्पिटल, ओके। ट्वेल्थ हाउस होता है एक्सपेंस, ट्वेल्थ हाउस होता है खर्चा, छठा घर है बीमारी। ट्वेल्थ लॉर्ड जब छठे घर में बैठता है तो हम कहते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा बीमारी पर खर्च होगा। तो जरा सोच के देखिए कि यदि आपका ट्वेल्थ लॉर्ड बीमारी पर आपका खर्चा करवा रहा है तो इसको पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? इसको पॉजिटिव यूटिलाइजेशन ऐसे करेंगे कि जो बेचारे बीमार लोग हैं जिनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं है उनको दवाई हम खरीदवाएंगे। ट्वेल्थ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, ट्वेल्थ लॉर्ड भी खुश कि भाई इसने मेरी इज्जत रख ली क्योंकि इसकी कुंडली में तो खर्चा ही बीमारी पर लिखा था। वही ये बेचारा कर रहा है कि बीमारियों पर अपना खर्चा कर रहा है। और क्या चाहिए आपको? आपका कर्म भी सुधर गया और आपकी कुंडली भी सुधर गई। यही ज्योतिष है। हम तो भैया सीधी बात जो है जो कुंडली कहती है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी किसको कैसे करना वो देखिए। सर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द राशि लॉर्ड ओनली ना, वी आर नॉट टॉकिंग सिटिंग एनी पर्टिकुलर सूर्य आवर्स then most of the time may be something left to understand। यहाँ पर हम सीधे हाउस लॉर्ड की बात कर रहे हैं। मैं अभी एक कुंडली जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो चीज। रियल एस्टेट एजेंट्स कंसिडर्ड एज कमीशन एजेंट। राजवीर सिंह जी आप पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट एजेंट कंसिडर्ड एज कमीशन एजेंट। अरे भैया किसी भी प्रकार का कमीशन एजेंट तीसरे घर से ही जुड़ा होगा। कमीशन रियल एस्टेट का हो, कमीशन गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो, कमीशन किसी और चीज का हो, जब शब्द ही कमीशन आ गया तो वो तीसरे घर से जुड़ गया, ऐसा समझ लीजिए। How to relate 12th Lord in 9th house? अले मलिका अर्जुन जी, 12th Lord in 9th house। 9th house होता है जी धर्म कर्म, 12th house होता है खर्चा। तो धर्म कर्म के काम पे खर्चा कीजिए, क्लियर? मैंने कहा ना कि थोड़ा सा तो आपको भी लगाना पड़ेगा। थोड़ा तो आपको भी लगाना पड़ेगा। सर वी शुड सी द एनएल ऑफ द कस्पल सब लॉर्ड फॉर दैट हाउस एंड बोथ द प्लैनेट एंड एनएल इफ टेनेंटेड। दीपक जी अभी कस्पल सब लॉर्ड मैंने इनका शुरू नहीं करवाया, मैंने अगर अभी बोल दिया तो बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कस्पल सब लॉर्ड की बात हम कल की क्लास में करेंगे, अभी नहीं। सर 11th एंड 12th हाउस लॉर्ड इट्स पेंडिंग, ओके। 11वां और 12वां पेंडिंग है, ठीक है, इसको भी कंप्लीट करेंगे जी, पेंडिंग है। तो 3, 4, 6, 7, 8, 9th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस, इतने सारे 5th लॉर्ड में बैठे हैं। नॉलेज में इन्वेस्टमेंट, यस बिल्कुल सही बात है। 12th लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा तो आदमी खर्चा करेगा नई नई चीजें सीखने में, नए नए जो है चीजें लर्न करने में। Fifth Lord in 12th house is learning in passion towards yoga and foreign related things. Yes, जिसका fifth Lord 12th house में बैठता है ऐसे व्यक्ति ज्यादातर केसेस में मैंने देखा उनको एजुकेशन जो है foreign country में मिलती है या घर से दूर एजुकेशन लेते हैं,
या फिर जो एजुकेशन वो लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं 12th हाउस का कोई रोल रहता है, लाइक योगा, मेडिटेशन, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई स्टडीज जो होती हैं वो सब, तो ये भी है। ठीक, तो आपने कहा जी 11वें घर की जो है, मैंने वो नहीं बताई आप लोगों को कि 11वां घर जो है वो क्या है। 11वां घर देखिए गेम्स का है। ठीक, जैसे सेकंड हाउस लॉर्ड जिस घर में बैठता है उस घर से आपको, सेकंड हाउस लॉर्ड जिस घर में बैठता है उस घर से वेल्थ आती है, 10th लॉर्ड जिस घर में बैठता है उस घर से आपका करियर है, और 11th हाउस में जो बैठता है, 11th हाउस में, 11th हाउस लॉर्ड जिस हाउस में बैठता है उस हाउस से आपको क्या आता है, उस हाउस से आपको लाभ आता है। आपको लाभ किस घर से होगा ये पता चलता है। ठीक, और 12th हाउस जिस घर में बैठता है उस घर से जुड़कर आप खर्चा करते हैं, उस घर से जुड़कर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है अपनी लाइफ में वो उस पर्टिकुलर घर पे होता है जो 12th लॉर्ड जहां बैठा हो। तो अब इसको इन्वेस्टमेंट बोले, एक्सपेंडिचर बोले, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, तो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को समझना है। वैसे तो आप सब लोगों ने अपने अपने चार्ट पे लगाया ही है, मेरे को उम्मीद है आप लोग जब चीजें सुन रहे थे तो अपने चार्ट पे चीजों को लगा रहे होंगे और चीजें रिलेट भी कर रहे होंगे। ठीक, चलिए अब समझ लीजिए जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इसके बाद हाउस लॉर्ड्स पर हम बात नहीं करेंगे, कल जो है वो मैं आपको कस्पल सब लॉर्ड्स पे जो है स्टार्ट करेंगे। कस्पल सब लॉर्ड क्या है, जो स्क्रिप्ट आप बनाएंगे, प्लस कल हेल्थ का चैप्टर जो है वो हम करेंगे। सौरभ बजाज जी, 12th हाउस लॉर्ड 11th में बैठेगा तो खर्चा कहाँ करेगा व्यक्ति, आप खुद सोचिए ना कहाँ करेगा। 11th हाउस जिन चीजों का है उन पर करेगा। देखो जी, कुंडली आपके सामने है, ये कुंडली आई थी आज मेरे पास, ये एक फीमेल की कुंडली है, ये उड़ीसा से बिलोंग करती है। ठीक है, और ज्यादा एज भी नहीं है, करीबन 18-19 ईयर्स की होगी, पर ये चाहती हैं कि ये एक्टर बने, ये चाहती हैं ये एक्टर बने, ये एक्टिंग करे। कुछ समझ में आ रही है क्यों चाहती हैं एक्टिंग करे, रीजन समझ में आ रहा है। अभी अभी मैंने आपको हाउस लॉर्ड्स बताए सारे। अरे सबसे पहले फर्स्ट लॉर्ड पढ़िए ना भाई, 10th पे काहे जा रहे हैं, फर्स्ट लॉर्ड कहाँ चला गया। मैंने आपको कहा कि पहले भाव का स्वामी जहां कहीं भी जाएगा वहां से आप जुड़ जाएंगे जीवन भर के लिए। ठीक, तो वो देखिए कहां पर है। फर्स्ट लॉर्ड 5th में है। वेल्थ कहां से आ रही है, वेल्थ सर्विस के द्वारा आ रही है। वेल्थ कहां से आ रही है, सर्विस के द्वारा आ रही है। ठीक, अट्रैक्शन किस चीज को लेकर है, किस चीज का अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा,
पैसे का है, पैसा बहुत कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं भाई, ठीक। प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? इनहेरिटेंस से मिलेगी, ठीक है, बाप दादाओं की प्रॉपर्टी मिलेगी। फिफ्थ हाउस जो है वो आपकी लर्निंग, आपके पैशन को भी बताता है, तो वो किस चीज से जुड़ा हुआ है? एट्थ हाउस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आजकल ज्योतिष को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। सिक्स्थ हाउस जो है वो प्रॉब्लम का है, डिजीज या फिर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज को लेकर होगा? डिजीज आदमी को क्यों आएगी? तो वो देखिए वो कहाँ है, वो एट्थ हाउस में है, ठीक है। सेवंथ हाउस जो है, सेवंथ हाउस का लॉर्ड कहाँ गया? एट्थ हाउस में चला गया। तो सेवंथ लॉर्ड एट्थ में है, तो मैंने आपको बताया था कि सेवंथ लॉर्ड एट्थ में होगा तो क्या होगा, कि देयर विल बी स्ट्रेस इन मैरिज, और ये व्यक्ति जो है उसकी सीक्रेट रिलेशंस भी रह सकते हैं, ठीक। और पीड़ा किस चीज से जुड़ी हुई है? किस कौन सी चीज जो है इसको परेशान करेगी लाइफ में? वो फैमिली और वेल्थ रिलेटेड मैटर्स जो है इसको परेशान करेंगे। नाइन्थ हाउस जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि पेट एनिमल्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, ये इस व्यक्ति के लक का कारण बनेंगे। फिर इसका कर्म हो गया कि इसको कर्म कौन से घर से जुड़ के करना चाहिए, तो टेंथ लॉर्ड गोज टू फिफ्थ हाउस। क्या बनना चाहते हैं ये? एक्टर बनना चाहते हैं, तो वो भी ठीक है भाई, अच्छी बात है, बन सकते हैं। फिफ्थ हाउस एक्टिंग का है, क्रिएटिविटी का है, वो सब चीजों का है, ठीक। लाभ किस चीज से हो रहा है? लाभ सिक्स्थ हाउस से हो रहा है, सर्विस से जुड़ा हुआ हो रहा है, ठीक है। अभी आप में से किसी ने पूछा था जी ट्वेल्थ लॉर्ड यदि छठे घर में चला गया तो क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए ट्वेल्थ लॉर्ड कहाँ चला गया है। ट्वेल्थ लॉर्ड जो है वो छठे घरों में चला गया है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि एक्सपेंस ऑन डिजीज। हम क्या बोलेंगे कि ये व्यक्ति को चैरिटी करनी चाहिए, किनके लिए? जो डिजीज लोग हैं उनके लिए, उनके लिए चैरिटी करें, बहुत अच्छा है इसके लिए, ठीक है जी। हाँ जी, डोनेट मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन की डोनेशन कर सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। इज पेट डॉग रिलेटेड टू केतु? यस, पेट डॉग इज रिलेटेड टू केतु, बट ये लाल किताब का कंसेप्ट है, हाँ इसको यूज कर सकते हैं आप, इसके अंदर कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक। तो पेट डॉग रिलेटेड टू केतु, राहु केतु के बारे में क्या कहेंगे? राहु केतु की स्क्रिप्ट जब मैं आपको लिखवाना शुरू करूंगा तब हम राहु केतु के बारे में कुछ कहेंगे। सर अगर टेंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, कैन ही बी स्टॉक ट्रेडर? देखिए एक होता है कि स्टॉक ट्रेडिंग करके ना पैसे बनाना, जैसे जो लोग मतलब शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उससे पैसे बनाते हैं, और एक होता है कि शेयर ट्रेडिंग फर्म के अंदर काम करना। तो व्हेन टेंथ लॉर्ड गोज टू फिफ्थ हाउस इट शोज कि ये व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बना सकता है, ठीक है, ये व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग से पैसा बना सकता है, या इलेवेंथ हाउस फिफ्थ हाउस में आ जाए। बट टेंथ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आएगा तो हम बोलेंगे कि ये व्यक्ति को काम करना है स्टॉक रिलेटेड कंपनी में, उस तरीके से, ठीक है। सर ग्रुप में एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट बेल फ्रॉम जेल, बेल फ्रॉम जेल इज इट पॉसिबल टू डिस्कस नाउ? नो, बिल्कुल नहीं। बेल कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये क्वेश्चन है,
या आगे हम सीखेंगे वो चीज। शत्रुता मित्रता कुछ अफेक्ट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कैसे। यहाँ पर शत्रुता मित्रता नहीं पढ़ते हैं, वो पराशरी का पाठ है। यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड को पढ़ते हैं और जो ये लॉर्डशिप मैंने बताई है इसको पढ़ते हैं। That means if eighth lord and ninth lord Shani sits in sixth house, then person may keep a dog in house. Yes, absolutely. बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सर प्लीज सजेस्ट सम केपी सॉफ्टवेयर एंड शो वन एग्जांपल टू क्रिएट, दिस विल हेल्प टू परचेज और यूज वन, काइंडली हेल्प। मल्लिकार्जुन जी, मैंने बताया कि मेरे को पराशरा लाइट सबसे अच्छा लगता, बाकी आप कोई भी केपी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते। सर प्रॉब्लम नहीं, आई वॉन्ट टू आस्क इज इट्स नेसेसरी कि रहेगा। देखिए मैंने कहा ना कि ये आपके ऊपर है, मैंने आपको लॉजिक दे दिया है, उसको करना ना करना वो आपके हाथ में है। सर डू वी स्टडी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स इन केपी, प्रमिल कांत जी रेट्रोग्रेड प्लैनेट पूरा अफेक्ट करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, बट उनका जो अफेक्ट है ना वो प्रश्न कुंडली के अंदर ज्यादा काम करता है। मेन जो आपका जो मतलब जो आपका जो बर्थ चार्ट है उसमें रेट्रोग्रेड प्लैनेट कोई स्पेशल अफेक्ट क्रिएट नहीं करते, बट जब हम प्रश्न कुंडली पे काम करते हैं केपी में तो 100% उनका अफेक्ट आता है, बिकॉज वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर का जो डिनायल है उसके अंदर काम करते हैं। ठीक है, केतु और राहु की स्क्रिप्ट अभी हमने नहीं पढ़ी है, जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे उस बारे में। व्हाट अबाउट राशि इन डिफरेंट हाउस, यहां पर राशि इन डिफरेंट हाउस से कोई लेना देना नहीं। ठीक है कि राशि इस घर में पड़ी है तो क्या है, यहां पे कौन सा कस्पल सब लॉर्ड किस राशि में है उससे लेना देना है, कौन सी राशि किस हाउस में है इसका कोई वो नहीं है। लॉजिक कौन सा प्लैनेट किस राशि में है वो आप बोल सकते, उसका अफेक्ट है। सर इतने सारे प्लैनेट्स को कैसे पढ़े, इतने सारे प्लैनेट्स को देखिए, जैसे हम नॉर्मली सब प्लैनेट्स पढ़ाए हमने वैसे ही पढ़िए। इनको भी थर्ड लॉर्ड फिफ्थ में है तो इंक्लिनेशन फिफ्थ हाउस की तरफ है, फोर्थ हाउस लॉर्ड फिफ्थ में है तो भी मैंने उसका बताया क्या है, सिक्स्थ लॉर्ड यदि फिफ्थ में है तो भी, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में है तो भी, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ में है तो भी, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है। इसका मतलब साफ साफ है कि फिफ्थ हाउस जो है बहुत प्रोमिनेंट है इस व्यक्ति का कुंडली में। सिक्स्थ हाउस एनिमल्स से रिलेटेड कोई काम करेंगे, छठा घर सिक्स लॉर्ड इन सेवंथ हाउस मर्करी, सो कैन वी गेट अ डॉग, सिक्स लॉर्ड इन सेवंथ हाउस देयर विल बी एनिमिटी, देयर विल बी डिस्प्यूट, किसमें सिक्स्थ हाउस जब सेवंथ हाउस में जाता है, सिक्स्थ हाउस लॉर्ड जब सेवंथ हाउस में जाता है तो देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन मैरिज। अब आप क्या कह रहे हैं, मैं मॉम जी डॉग ले आते हैं तो डॉग छठे घर का, देख लीजिए क्या होगा। इज एन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू टूडेज क्लास, नो नो डॉक्यूमेंट। मेरी बुक है जो मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा क्लास। जॉब बता दी, व्हाट इज द हाउस ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग नॉट एज एम्प्लॉई। अरे भैया आप एक बात को समझ नहीं रहे हैं, किसी का टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में है, वो चाह रहा है जी मैं तो पूरी जिंदगी स्टॉक ट्रेडिंग करूंगा। अरे भाई स्टॉक ट्रेडिंग करोगे तो ये भी तो चाहोगे ना मैं पैसा बनाऊं, लाभ बनाऊं, तो पैसा बनाने के लिए लाभ बनाने के लिए सेकेंड और इलेवेंथ की जरूरत पड़ेगी ना, खाली टेंथ लॉर्ड के फिफ्थ हाउस में बैठने से थोड़ी ना आप स्टॉक ट्रेडर और वो हो जाओगे। ठीक है, व्हाट इज द हाउस फॉर स्टॉक ट्रेडिंग नॉट एज एम्प्लॉई। स्टॉक ट्रेडिंग का बता तो दिया मैंने, स्टॉक्स का शेयर मार्केट का फिफ्थ हाउस ही होता है भाई। ठीक है जी, तो अब अपना ये जो बताई आज की चीजें इन पर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको समझिएगा, अपने अपने चार्ट्स पर इसको लगाइएगा, तो कल जो है हम कस्पल सब लॉर्ड्स को रीड करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय श्री राम।